नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। दिन है 9 अगस्त 2023 बुधवार, और व्याख्यान नंबर 214 214, और विषय के बारे में बताएंगे गोविंद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में चल रहे आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, जैसा कि भ्राजक पित्त के बारे में, भ्राजक पित्त विकृत होने के हमने दो भाग जो उसके कारण थे, दो भाग हमने सुना। आज उसके तीसरे भाग की चर्चा होगी, और इस चर्चा के लिए हमारे जो परम आदरणीय पूजनीय वैद्य सत्यवान नायक जी को आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। आप सभी बड़े ध्यान से इन सत्रों को सुने, इन सत्रों से मिले ज्ञान को यथासंभव अपने जीवन में अमल करें, और उससे होने वाले अनुभवों को समाज कल्याण हेतु अपने अनुभवों को शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी विश्वास आयुर्वेद के प्रति दिल से बढ़े। वंदे मातरम। वैद्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। और स्वास्थ्य समृद्ध वैद्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी हाँ, सर्वप्रथम माता पिता को श्री चरणों में नमस्तक नतमस्तक करके प्रणिपात करके भगवान धन्वंतरि जी को अपने श्री गुरु के श्री चरणों में प्रणिपात करते, माता सरस्वती को स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम वेदोक्त मंत्र से परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं, उसके बाद में एक सूत्र, फिर उसके बाद में एक सिद्धि योग, फिर उसके बाद में हमारा चर्चा को विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमने स्तोत्र के लिए लिया है, स्तुति के लिए मंत्र, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ तृतीय सूक्त के प्रथम मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, अश्विना यज्जरीरीशो द्रवत प्राणी सुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतः चनस्यतम। इसका अर्थ यह है, इसमें मनुष्यों के लिए एक संदेश है परमात्मा की ओर से कि हे मनुष्यों, मैं तुम्हारे लिए एक संदेश भेज रहा हूँ, इसे ग्रहण करो, या तो इसे समझ कर अपने जीवन में उसको उतारो। और संदेश क्या है? संदेश इस प्रकार के हैं कि हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यों, तुम लोग शीघ्र वेग का निमित्त पदार्थ विद्या के व्यवहार सिद्धि करने में उत्तम हेतु शुभ गुणों के प्रकाश को पालने और अनेक खाने पीने के पदार्थों के देने में उत्तम हेतु जल और अग्नि तथा शिल्प विद्या का संबंध कराने वाली अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थों को देने वाली कारीगरी की क्रियाओं को अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया करो। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है। अभी इसको यदि हम इसको थोड़ा देखेंगे अच्छे से, इस प्रकार से यदि हम इसको देखते हैं या तो पढ़ते हैं, तो केवल इतना समझ में आता है कि परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग जो कारीगरी विद्या यानी कि जो शिल्प विद्या है, उसे तुम जो है अधिक मात्रा में उसको ध्यान देना चाहिए। शिल्प विद्या का अर्थ ये नहीं कि हम किसी कंपनी में जा करके नौकरी करें या इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ले, वो शिल्प विद्या नहीं। शिल्प विद्या यानी कि जैसे कोई किसान बैल के माध्यम से हल करता है, हल लंगल से मतलब वो हल करता है, तो वो शिल्प विद्या है। कोई मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है तो वो शिल्पकार है। कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, कलश, विभिन्न प्रकार के कलश बनाता है, विभिन्न प्रकार के सुरई बनाता है, कुंभ बनाता है, दिया बत्ती बनाता है, तो वो शिल्प कला है, शिल्प विद्या है। कोई अपने हाथों से तंत्र विद्या से तंत्र यंत्र से कोई यदि वस्त्र को बुनता है तो वो एक प्रकार से शिल्प कला है। ठीक उसी प्रकार जितने सारे लोहार है, चर्मकार है, या तो फिर ग्वाले हैं, या तो तेल वाले हैं, तैलकार है, कुंभकार है, वस्त्रकार है, वनकार है, तंत्रकार है, जितने सारे हमारे कार लगे हुए हैं, कलाकार है, उन सभी को शिल्प विद्या के अंतर्गत ही लिया गया है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो है सर्वप्रथम जल और अग्नि की तुम्हें यहाँ पर आराधना करनी चाहिए। यदि जल यानी कि वरुण देवता, अग्नि यानी कि अग्नि देवता, यहाँ पर वरुण देवता और अग्नि देवता को आराधना करने के लिए कहा गया है। और यदि हम देखेंगे कि अग्नि देवता और वरुण देवता को कैसे आराधना करना है, तो उसके विषय में ये कहा है कि अग्नि जल पृथ्वी ये तीनों के
संबंध युक्त होकर ही जो है शिल्प विद्या सिद्ध होती है। यदि हम उसको देखेंगे समाज के आधार पर या तो फिर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो जहां पर अग्नि नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, तो फिर शिल्प विद्या कैसे सिद्ध हो सकता है? जो सिद्ध नहीं हो सकता, तो सिद्ध उसे शिल्प विद्या में सिद्ध होने के लिए जल, अग्नि, पृथ्वी, ये तीनों की आश्रिता होना परमावश्यक है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि जल, अग्नि, पृथ्वी के साथ में संबंध में रहो। परंतु आजकल जल से कहाँ संबंध हो पाता है, क्योंकि जितने सारे जो जल होते हैं वो सारे के सारे कृत्रिम जल होते हैं, विकृत जल होते हैं, प्राकृतिक जल से संबंध नहीं होता। और अग्नि से संबंध जो है विकृत अग्नि, प्राकृतिक अग्नि नहीं, वैकृतिक अग्नि से संबंध होता है। इसीलिए आज का जो शिल्प विद्या वो कतई जो है सिद्ध नहीं हो पाता। यदि हम उसका व्याख्या को और अच्छे से मतलब यदि समझने का प्रयास करेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है कलायुक्त सवारियों को बनाकर अपने संसार में अपने तथा अन्य लोगों को उपकार से सब सुख पा सकता है। यहाँ पर कलायुक्त सवारियों के विषय में कहा है परमात्मा ने। तो कलायुक्त सवारी यानी कि जैसे कोई घोड़ा है, रथ है, या तो हाथी है, सकट है यानी बैलगाड़ी है, आदि जितने सारे जो सवारी होते हैं उन्हें कलायुक्त सवारी के नाम से आयुर्वेद में चरक संहिता के विमान स्थान में कहा गया है। तो यदि आप कलायुक्त विमान सवारी के यदि विमान में यदि जो युक्त होंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो है शिल्प विद्या में आप सिद्ध होंगे, प्रसिद्ध होंगे, प्रवीण होंगे। ये उसका सूत्र है, मतलब इसका अर्थ है। अभी हम आयुर्वेद के एक सूत्र को लेते हैं जो कि भ्राजक पित्त के साथ में संबंध है, और ग्रंथ का नाम है सत्यकल्प संहिता। ये ग्रंथ का नाम है, आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो इसमें यह कहा गया है, नक्तम चर्या दिवा स्वप्न मलय मलस्य पैशुनम मदम अतियोगम अयोगम च श्रेयसो अर्थी परित्यजेत। इसका अर्थ यह है कि नक्तम चर्या यानी के जो नक्त यानी के रात में, चर्या यानी के विचरण करना, अर्थात रात में विचरण यानी के जागरण करेंगे तभी ना विचरण करेंगे, इसका अर्थ यह है कि रात में जागरण करना। फिर कहते हैं दिवा स्वप्न यानी के स्वप्न यानी के सोना, जो दिवा स्वप्न यानी के जो दिन में सोते हैं। फिर कहते हैं कि अलस्यम पैशुनो मदम, अलस्य यानी के अधिक मात्रा में आलसीपन होना, केवल सोते रहना या तो कुछ काम ना करना, परिश्रम ना करना, ये सब आलसी के रूप में लिया गया है। फिर कहते हैं पैशुनम, पैशुन यानी के जो दूसरे के टांग खिंचाई करना या तो किसी की खिंचाई करना, किसी का व्यंग करना, किसी को ऊपर मतलब निंदा करके, किसी को जलील करके, अपमानित करके व्यंग प्रस्तुत करना, कॉमेडी करना, आजकल के जो एक प्रकार से फैशन बन गया है, या तो फिर हम चुगलखोरी ऐसा हम कह सकते हैं, किसी की चुगली करना। उसके बाद में कहते हैं मदम, मदम यानी के जितने प्रकार के जो नशा है, जैसे शराब एक नशा है या तो अफीम एक नशा है, भांग, गंजा, चरस, ये भी सारे के सारे नशा है। किसी की मतलब ये जो कामनाओं में वशीभूत होकर के रहना, तो ये भी एक प्रकार से नशा ही है, स्त्री नशा जिसे नारी नशा भी कहते हैं। तो ये जो मद होता है, विभिन्न प्रकार के मद है, उन मद से जो जुड़ित रहता है। फिर उसके बाद में कहते हैं अति योग, अति योग यानी के आहार में, विहार में, निद्रा में, आहार में, विहार में, निद्रा में, ब्रह्मचर्य में, या तो फिर मैथुन में, इसमें अति योग करना। फिर कहते हैं कि अयोग, अयोग यानी के बिल्कुल उसमें योग न होना, मतलब बिल्कुल भूख भूख मतलब खाना भोजन नहीं करना, बिल्कुल कहीं पे जाना नहीं, किसी से बिल्कुल मिलना नहीं, किसी से साथ में कोई संबंध नहीं बनाना है, और किसी के मतलब कभी भी मैथुन समागम नहीं करना है, और कभी ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना है। तो इस प्रकार से यदि करते हैं तो वो अयोग यानी कि मिथ्या योग है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि श्रेयस अर्थी परित्यजेत, जो अपने जीवन में सुख से जीना चाहते हैं, अपने जीवन को हितकर आयु बनाना चाहते हैं, जो कि चरक संहिता का प्रथम अध्याय का ही सूत्र है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च यत्र तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदः सूच्यते। जो हितकर आयु, चार प्रकार की आयु में से यदि कोई हितकर आयु प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए सर्वप्रथम ये सबको त्याग करना चाहिए। क्या क्या त्याग करना चाहिए? दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में जगना नहीं चाहिए, आलस्य से दूरी बना के रहना चाहिए, चुगलखोरी किसी के नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और अतियोग और अयोग यानी के अतियोग और हीन योग नहीं करना चाहिए, यार मिथ्या योग भी नहीं करना चाहिए, जो कि चरक संहिता में सूत्र स्थान में पहले से मतलब वर्णन है, और हमने इसके विषय में विस्तार से चर्चा भी की मतलब कर चुके हैं। तो ये था आज का मतलब आज का मतलब सिद्धि योग है, सिद्धि योग नहीं, आज का सूत्र है, आयुर्वेद का सूत्र है।
तो यहाँ पर हम आयुर्वेद के सूत्र को यहीं पे विराम देते हैं। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा समय इसलिए हमने मतलब छोड़ा जो कि रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा आसानी हो, सरल हो। तो अभी सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी भविष्य में बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, व्यथित है। क्योंकि ऐसे भी कई सारे मतलब लोग ऐसे हैं जिनके दो बच्चे हैं, या तो किसी के एक बच्चे है, किसी किसी के तो बच्चे है ही नहीं। तो भविष्य में कैसे होगा, क्या होगा, उसको लेकर के सारे संसार में जितने सारे साधु संत महात्मा है वो सब चिंतित हो गए हैं। तो जब इसके विषय में हमने प्रश्न किया कि आप सब इतना क्यों चिंतित हो गए, चिंतित तो कोई सांसारिक व्यक्ति होता है, साधु को सज्जनों को इस तो इसके ऐसा चिंता नहीं करना चाहिए। तो बोले कि आप समझे नहीं हमारी चिंता का कारण, हमारे व्यथा का रहस्य, जो मनोव्यथा है आप समझ नहीं पा रहे। तो हमने पूछा कि हे ऋषिवर या हे आचार्यवर, आप हमें कृपा करके विस्तार से बताइए, जिससे मतलब हमें बोध हो, सुबोध हो सके। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में अभी कुछ समय ऐसे आने वाले हैं जो कि बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अभी तो ऐसे भी है कि कईयों के बच्चे नहीं है, या तो किसी के एक बच्चे है, दो बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे तो किसी किसी के हैं। ऐसा मतलब सरकार ने प्रकार से मतलब एक भ्रमित कर दिया लोगों को। अभी भविष्य में अभी जितने बच्चे हैं उनके ऊपर बीमारी आने वाली है। तो हम सोच रहे कि भविष्य कैसे होगा, फिर ये संसार में सृष्टि की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाल मृत्यु होने वाली है। उस विषय को लेकर के हम चिंतित हैं। तो जब हमने उन्हें प्रश्न किया कि ऐसे बच्चों में क्या क्या रोग होने वाला है, कृपा करके यदि आपको आपको पता है, जानकारी है, तो हमें अवगत कराइए। तो उन्होंने जो अवगत कराया हमें कि ये रोग होने वाला है बच्चों में, तो उसको लेकर के हम उसे आपको जो हमारे जीवन में अभी तक 19 वर्ष में जो हमने परीक्षण किया हुआ है या तो प्रयोग किया हुआ है, उन उन सिद्धियों को हम आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि यदि आपके क्षेत्र में, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में, या तो रिश्तेदारों में, बंधु बांधवों में, मित्रों में, मंडलियों में, बंधु में, किसी को यदि कुछ होता है तो ये जानकारी आप उसको साझा करिए, बांटिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, जिससे कि भविष्य में भारत की जनसंख्या एक प्रकार से सुरक्षित रह सके। तो उन्होंने ये कहा है कि हर बच्चे मत जो है रोग होगा ही होगा, और एक प्रकार से रोग होगा उनके मलद्वार के पास में, एक प्रकार से घाव यानी कि व्रण बनेगा, जिसको कि यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, कोमार तंत्र, कोमार भृत, उसमें आदि ग्रंथों में देखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि बाल गुद व्रण, गुद व्रण के नाम से जाना जाता है। बाल रोगों में मतलब शिशु रोगों में गुद व्रण, इस प्रकार से एक रोग होगा। गुद व्रण यानी कि उनके मलद्वार के पास में एक घाव बनेगा, और उसमें से मतलब दाद खाद खुजली जैसा, जैसे हमारे बड़े लोगों को दाद कैसे होता है, लाल लाल दिखता है, चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे मतलब कोई 1 रुपया का सिक्का हो, अठन्नी भर का तो कोई सिक्का हो, इतना बड़ा जैसे मतलब दिखता है। और अभी बच्चों लोगों को गुद व्रण की रोग होने वाली है। तो जब गुद व्रण रोग होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं हम अपने आसपास, मतलब क्या कर सकते हैं जिससे कि जो है उसमें पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो सबसे जो सरल प्रयोग है वो हम आप लोग के सामने उपस्थापना करने जा रहे हैं। तो प्रयोग इस प्रकार के है कि अपने आसपास अपने घर में टंकण भस्म तो हमेशा बना के रखिएगा, जैसे ये शुद्ध सुहागा के नाम से जाना जाता है। यदि हम रस शास्त्रों की बात करें तो टंकण भस्म तो ऐसा कहा गया है कि बच्चों के कोई भी प्रकार के मतलब समस्या हो, उसमें सबसे पहले आपको टंकण भस्म का प्रयोग करना चाहिए। यदि उसमें से ठीक ना हुआ हो, उसके बाद में आपको वैद्य के पास में जाकर के मिलना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले एक दिन देखना है कि टंकण भस्म से ये मेरे बच्चे का रोग ठीक होता है कि नहीं। कोई भी समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, टंकण भस्म सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए। ये आयुर्वेद के रस शास्त्रों में सभी ग्रंथों में वर्णन है। ग्रंथ का नाम है रस तंत्र समुच्चय, रस रत्न समुच्चय, ये रस रत्न संग्रह, और रस रत्न रसेंद्र सार संग्रह, रस रत्न समुच्चय, और रस रत्न संग्रह, रस योग सागर, और रसेंद्र मंगल, रसेंद्र चिंतामणि, रस कामधेनु, रस शास्त्र, रस शास्त्र रसामृतम, रस प्रकाश सुधाकर, ऐसे रसे के मतलब रस के कितने सारे ग्रंथ है, और एक ग्रंथ है रसेंद्र चिंतामणि। तो इसमें इतने इतने सारे जो रस के ग्रंथ है शास्त्र आयुर्वेद के, उसमें सभी शास्त्रकारों ने, सभी ग्रंथकारों ने टंकण भस्म की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और वो मुक्त कंठ में स्वीकार किया है। मुक्त कंठ यानी कि उसमें किसी के दबाव में नहीं, किसी के आवेश में आकर के नहीं, आक्रोश में आकर के नहीं, उन्होंने अपने स्वेच्छा से, मुक्त कंठ से, हृदय से उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, ये जो शुद्ध सुहागा है बच्चों के सभी रोगों के लिए ये एकदम रामबाण की तरह काम करता है।
इसीलिए क्या करना है, यदि मतलब मान लीजिए कि कोई गंभीर रोग है आपके बच्चों को, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो गंभीर रोग बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या करना है, एक दिन आपको देना है टंकण भस्म दिन में 4 बार। यदि उससे परिणाम कम नहीं मिलता है, या तो रोग उसमें ठीक नहीं होता है, उसका रोग का जो जो लक्षण है वो ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, रोग के जो गंभीर स्वरूप है वो दिखाई देने में यदि अच्छे लाभ नहीं मिल रहे, तो आपको वैद्य का परामर्श दूसरे दिन ले लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं टंकण भस्म को भस्म कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे वैद्य लोग ऐसा बोलते हैं कि टंकण को ले आना है और उसके कढ़ाई के ऊपर डाल दो, सबसे पहले वो पिघल जाएगा, फिर उसमें एक तरह से उसका जो रस है वो जब सूख जाएगा तो आपको भस्म बन करके तैयार हो जाएगा और आपको इसको सेवन करने के लिए देना चाहिए। वास्तव में टंकण भस्म इस प्रकार से संग्रहण नहीं किया जाता, इस प्रकार से भस्म नहीं किया जाता, इससे क्या होगा, इसमें में थोड़ी मात्रा में अम्लीयता रह जाती है, तो अम्लता रहती है तो फिर उसके शरीर में जाने के बाद में अम्लता को बढ़ाएगी, तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, ये फिर दिक्कत होगा। तो हमें जो है वहां पर शुद्ध टंकण भस्म बनाना है, जो कि जिसमें रत्ती भर भी मतलब थोड़ी सी मात्रा में भी उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसका कोई पार्श्व प्रतिक्रिया ना हो। तो उसमें कैसा करना है, सर्वप्रथम आप बाजार से टंकण यानी कि सुहागा, कच्चा सुहागा लेके आइए, और ला करके नींबू के रस में खरल में डाल डाल करके, थोड़ा नींबू रस डाल करके सबसे पहले टंकण को जो सुहागा है उसको कूट कूट लीजिए, थोड़ा मतलब उसका चूरण चूरण बना लीजिए, कूटने के बाद में खरल में डालिए, और खरल में डाल करके जो है नींबू का रस डाल करके आपको मर्दन करना है। कितना समय, कम से कम 3 घंटा मर्दन करना है। 3 घंटा मर्दन किया हुआ का मतलब मर्दन किया हुआ जो टंकण है, कच्चा टंकण, वो आधा शुद्ध हो जाता है, ऐसा समझ करके चलिए। फिर उसको जो है आपको धूप में सुखा लेना है, कड़ी धूप में। तो धूप में सुखा लिया आपने, फिर उसको क्या करना है, किसी लोहे के कढ़ाई में आपको ढालना है, और एकदम एकदम जोरदार मतलब तेजी की आंच देनी है, तेज आंच देनी है, इतना तेज आंच देनी है कि वो जैसे आप लोगों मतलब देखा होगा बाजार में जो पॉपकॉर्न होता है उसमें मतलब मक्का ही ढलते हैं, तो 2 ही मिनट में, 1 से 2 मिनट लगता है, वो एकदम बुर 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 करके ऊपर आ जाता है, तो कितना एकदम मतलब लाही की तरह, लाजा की तरह वो फूल जाता है, लाही जैसा बन जाता है। तो ये भी जो है लाही की तरह, लाजा की तरह ही बनता है, इसीलिए इसको टंकण लाजा, टंकण लाही भी मतलब नाम से जाना जाता है। तो इसे टंकण भस्म, टंकण लाही, टंकण लाजा, शुद्ध सुहागा के नाम से जाना जाता है। तो ये जब लाही की तरह बन जाएगा एकदम सफेद सफेद रंग के, तो जो है इसको आपको फिर उसको खरल में डालकर या तो इमाम दस्ता में कूट करके, फिर आपको कपड़े से छान करके इसको शीशे में भर के रख लीजिए। बस ये हो गया आपका विशुद्ध टंकण भस्म। इसमें आपको बच्चे को क्या, अभी जन्म जाते शिशु को भी देंगे तो भी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, रत्ती भर में मतलब 1 भी प्रतिशत उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसमें क्या करना है कि 1 रत्ती की मात्रा में माँ के दूध के साथ में घोल करके इसको पिला देना है बच्चे को, सुबह में 1 बार, दोपहर में 1 बार, शाम को 1 बार, रात को 1 बार। मतलब कैसे करना है, 1 चम्मच माँ का दूध निकाल लीजिए, दोहन कर लीजिए, उसमें टंकण भस्म 1 रत्ती, विशुद्ध टंकण भस्म 1 रत्ती मिला करके घोल करके उसको बच्चे को पिला दीजिए। फिर 3 घंटे, 3.5 घंटे के बाद में फिर से, 1 पहर के बाद में फिर से, 1 पहर के बाद में दोबारा, 1 पहर के बाद में तिबारा, 1 पहर के बाद में चौबारा, ऐसे करके आप दिन में 4 बार पिला दीजिए, देखेंगे बच्चों के जितने सारे रोग है वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे रोग जो है ठीक हो जाएंगे। और आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो स्वस्थ है, मेरे बच्चे को तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं क्यों दूं? तो भाई साहब या माता जी बहन, आप अपने बहन को पोलियो की टीका देने के लिए क्यों लेके जाते हो? वो अमिताभ बच्चन आके बोल जाता है 2 बूंद जिंदगी के, वो 2 बूंद जिंदगी के नहीं है, 2 बूंद अकाल मृत्यु के, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो पोलियो के बीच मतलब टोका क्यों दे रहे हैं आपके बच्चे को, ये टीका वो टीका क्यों दे रहे हैं? तो बच्चों के लिए जो टीका है, जैसे स्वर्ण प्राशन रसायन है, वो रसायन की तरह काम करता है, टंकण भस्म, विशुद्ध टंकण भस्म यदि आपने माँ के दूध के साथ में जन्मजात से लेकर के 3 साल तक, और 3 साल के बाद में 5 साल तक सेहत के साथ में यदि आपने चटाया है बच्चे को दिन में 4 बार की मात्रा में, 1-1 रत्ती की मात्रा में, चाहे बच्चे को कुछ हो चाहे कुछ ना हो, उसमें आपको देखना नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है कि मुझे 4 बार आपको मेरे बच्चे को ये विशुद्ध टंकण भस्म खिलाना है। तो यदि आप खिलाने देते हैं तो उसको कोई सर्दी नहीं होगा, कफ की समस्या नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, उसको सरदर्द नहीं होगा, याददाश्त की कमजोरी नहीं होगी, वो अवज्ञा नहीं करेगा आपके पिता माता की बात को, अवज्ञा अवहेलना नहीं करेगा, वो किसी लड़के के साथ में कभी भागेगी नहीं, आपकी लड़की हो तो, इतना बढ़िया काम मतलब काम कर दे, शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी, और शरीर में मतलब जो पोटेशियम है, सोडियम है, वो सब बराबर बराबर मात्रा में रहेगी, उसको सही में सही समय में भूख लगेगी, खाना भी पचेगी, पेट अच्छे से साफ होगा, कीड़ा भी नहीं बनेगा, कम जो उसका जो
100 साल की आयु में भी उसको कभी कमर का दर्द नहीं होगा, बाल टूटेंगे नहीं, बाल जल्दी नहीं पकेंगे, पित्त दोष कभी नहीं होगा, वात का रोग कभी नहीं होगा। कितने सारे फायदा है, मैं कितना मतलब क्या बताऊं। मतलब सबसे यदि हम देखेंगे उसका सबसे पहला लाभ है अग्नि बढ़ेगा, आपको जठर अग्नि ही मतलब सुरक्षा देगी। तो आयुर्वेद का सूत्र है कि अग्नि रक्षत रक्षता, आप अपने अग्नि की सुरक्षा करिए और अग्नि आपको सुरक्षा देगी। तो ये सबसे पहले आपके बच्चों का बच्चे का अग्नि अग्नि की सुरक्षा देगा। दूसरा ये कफ का नाश करेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा कफ को सुखा देगा, मतलब जो अतिरिक्त कफ है उससे वो निजात देगा देगा। उसके साथ में और क्या होगा, वायु का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा, खांसी नहीं होने देगा, श्वास जो रोग है दमा वो होने ही नहीं देगा, मतलब हुआ है तो भी ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो होने नहीं देगा, और आम बनाने नहीं देगा, मतलब आम बनेगा भी नहीं और बनाएगा भी नहीं। ये औषधि इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है। उसके बाद में उसे किसी भी प्रकार के विष से दूरी बना के रखेगा। यदि आपके बच्चे में बच्चे ने भूल से कहीं इधर उधर का कोई भोजन कर लिया तो उसको पेट में दर्द नहीं होगा, कीड़े नहीं होगा, इतना बढ़िया औषधि है। तो ये इसको सबसे पहले हर घर में अभी से या तो कल से बना के रखिए और इसका प्रयोग कराइए। उसके बाद में यह है कि जो गुद व्रण की समस्या है, गुद व्रण के में भी मतलब आपको इसको देना है। और गुद व्रण में क्या करना है, ये विशुद्ध टंकण भस्म लेना है और नीम का पत्ता लेना है थोड़ी मात्रा में, जितना मतलब आपको पीस करके लगाने में जितना आवश्यकता होगी उतनी मात्रा में लेना है, और दोनों को मिला करके पीस करके वहां पे गुद व्रण जो है वहां पर केवल लेप लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ताजा ताजा नीम का पत्ता लेके आइए, थोड़ा सा 2-3 डंडी मतलब उसमें मिला दीजिए, या तो आधा चम्मच 2 ग्राम मिला दीजिए, या तो 1 ग्राम मिला दीजिए, उसको पीस करके लेप लगा दीजिए। बस दिन में 2 बार 3 बार इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। खाने के लिए वही टंकण भस्म, विशुद्ध टंकण भस्म देना है, माँ के दूध के साथ में या तो शहद के साथ में, इतना ही करिए वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे कि नहीं हम तो गांव में रहते हैं, टंकण भस्म हमको पता नहीं है, नीम तो हमारे घर में घर के सामने है, घर के पीछे है, घर के बगल में है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे, तो उसमें मैं उसका और भी एक उपाय बता देता हूँ। जो विजय सार के नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसके लकड़ी को जिसके मज्जा को पानी में डाल करके रख देते तो सुबह में लाल रंग का पानी हमको प्राप्त हो जाता है, और जो है प्रमेह नाशक है, धातु वर्धक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी विजय साल का जो है फूल लेकर के आना है, आपको फूल जो है आपको पंसारी के वहां पे मिल जाएगा बड़े सरलता से, या तो आप निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करेंगे तो भी मतलब मिल जाएगा। तो विजय सार के फूल आपको लेके आना है, सूखा फूल या तो जो भी फूल हो, उसको सूखा फूल है तो उसको ला करके उसको इमामदस्ते में कूट करके चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बना करके क्या करना है उसको रख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। और उसको जब भी मतलब यदि आपको गुद व्रण दिखाई देने लगे बच्चों में, तो इसमें से थोड़ा लेकर के उसको माँ के दूध के साथ में जो है उसको सेवन करा देना है, दिन में 3 बार, सुबह में 1 बार, दोपहर में 1 बार, शाम को 1 बार, और वो भी भूखा पेट यानी कि खाली पेट में उसको खाने के लिए देना है। केवल आप कुछ ही दिन दीजिए, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे इसका संदर्भ ग्रंथ बताइए, क्योंकि आप तो प्रत्येक सिद्धियों का संदर्भ ग्रंथ बताते हैं, तो लीजिए। तो इसका संदर्भ ग्रंथ है वंगसेन संहिता, जिसके पास में वंगसेन संहिता है उसे देख लीजिए, वंगसेन संहिता का योग है, हमने इसको उपयोग में लाया है तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो आप भी इसको परिणाम मतलब प्रयोग करिए और परिणाम सबको बताइए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सिद्ध योग, अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, द्राह्य पित्त के विकृत होने के कारण, इसका तीसरा भाग, तृतीय भाग आज इसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कि किसी ने प्रश्न जब हमको किया था कल दोपहर में, तो मन के विकृत होने से द्राह्य पित्त कैसे विकृत होता है, उसका क्या रहस्य है। तो उसके कुछ रहस्यों के लेकर के जो ईशावास्य उपनिषद है, मांडूक उपनिषद है, या तो फिर पतंजलि योग दर्शन है और न्याय दर्शन है, उसमें से हमने कुछ कुछ जो सूत्र है या तो जो मंत्र है वो आपके सामने कल हमने चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे वो तो मन कैसे विकृत होता है, मतलब उसका कल रहस्य के विषय में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे मन जब विकृत होता है तो वो किस आधार पर विकृत होता है, इसको भी जानना और समझना परम आवश्यक है। केवल आपको मतलब मान लीजिए कि हम आज हमने आप लोग को बता दिया कि मन में ऐसे भाव लाएंगे, मन में ऐसे विचार लाएंगे और आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपका मन विकृत हो जाएगा, और मन विकृत होगा तो ब्राह्यपति विकृत हो जाएगा। जैसे अभी दीपक भाई बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो हो सकता है कल ये रिकॉर्ड सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आए, अरे ये तो समझ में आया कि मन में ऐसा भाव लाते हैं या तो मन में ऐसे विचार आता है तो भाव जो ब्राह्यपति विकृत होता है, परंतु हमारे शरीर के या तो किस आधार पर ये विकृत होता है ये तो समझ में नहीं आया। ये आयुर्वेद में कहाँ लिखा है, कैसे मतलब उसका सूत्र है,
इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है, एक एक सूत्र, किसी भी एक सूत्र को हमें छोड़ना नहीं है। एक एक जो है सूक्ष्मते सूक्ष्म रक्ष है, हमें आगे बढ़ना है कि हमें इतना समझ लेना है, इतनी बारीकी से समझ लेना है कि कल को कहीं यदि आपको कोई प्रश्न करे तो मैं नहीं चाहता कि आपका मतलब सर नीचे हो जाए और आप वहां पे मतलब मौन धारण करके आए, ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार मेरे गुरु ने मुझे इतना सक्षम बना दिया कि मैं हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी यही अभिलाषा है कि आप लोग भी, आप जहाँ भी जाइए, कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई से भी स्थान पर कैसा भी प्रश्न आए, आप उन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ रहे, कभी अपने मस्तक को नीचे ना झुकाए, क्योंकि जब कोई अपना मस्तक नीचे झुका देता है तो उससे उसका गुरु का अपमान होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरुवर का अपमान हो आपके, आप लोगों के किसी के कारण। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको सूक्ष्मते सूक्ष्म वस्तु जो है, जो ज्ञान है, जो रहस्य है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी एक विषय में ना छोड़ू। तो आज हम बात करेंगे कि मन जो हमारा विचार से भ्रमित हो जाता है या तो दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तो किसके आधार पर हमारा भ्राजव पित्त को वो विकृत करता है। क्योंकि आप लोग को मालूम है भ्राजव पित्त पवित्रता के आधार पर है, मतलब पवित्र भाजक पित्त का जो आधारशिला है वो पवित्रता है। उसका चाहे वाणी में अपवित्र आए, या तो शरीर में अपवित्रता आए, या तो मन में विचार में अपवित्रता आए, तो कहीं से भी अपवित्रता आया तो भ्राजक पित्त विकृत होगा। ये तो हमने उसका मूल सूत्र को हमने समझ लिया, परंतु उसके जो गहन सूत्र है, जो गंभीर सूत्र सूत्र है, अभी हम उसको समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, तो इसमें ये कहा गया है, जब आपका मन किसी प्रकार के सुख में यदि खुशी हो जाता है, जैसे आपको मतलब कोई ये महीने में किसी के कहीं से यदि 1 लाख रुपए आपको मिल जाए रास्ते में, या तो कहीं किसी ने आपको दे दिया हो कि लो भाई आपके पास, मतलब मेरे मन में ये इच्छा हुई, आपको मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, यदि आपका मन उस समय खुशी से यदि ओतप्रोत हो जाता है, यदि आप खुश हो जाते हैं, मतलब आज ये महीने में अभी मुझे कोई चिंता नहीं, अभी भी मतलब इतना सारा मतलब हो गया, मेरा तो रोजगार हो गया, अभी क्या किस बात की चिंता। ये तो आपको कहीं रास्ते चल रहे किसी प्रकार का सोने का गहना मिल गया, या तो 1 लाख रुपए मिल गए, या तो कुछ भी यदि मिल गया, किसी को तो 500 रुपये भी मिल जाए तो अभी खुश हो जाते हैं, ऐसे भी कई सारे लोग हैं। तो यदि किसी भी प्रकार के खुशी के समाचार या तो खुशी का परिवेश बनने के बाद में यदि आज आप खुश होते हैं, या तो फिर आपका कुछ दुख के साथ में संबंध होता है, तो जब आपका मन दुख हो जाता है, यानी कि आप दुखी होते हैं, तो निश्चित है 100% संभावना है कि आपका भ्राजव पित्त विकृत होगा। इसको भ्राजव पित्त को विकृत होने में आपको कोई भी नहीं बचा सकता, इतना है। अभी ये कैसे होता है इसके रहस्य को हम समझेंगे कि मन जब मतलब हम जब खुश होते हैं तो फिर हमारा भ्राजव पित्त कैसे विकृत होता है, जब हम दुखी हो जाते हैं तो फिर मतलब हमारा मन कैसे भ्राजव पित्त विकृत हो जाता है। तो फिर आयुर्वेद क्या कहता है कि हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है मनुष्य को, तो क्या मतलब खुशी भी नहीं मनाए, दुखी भी मतलब जताया नहीं, जताना नहीं है, तो ऐसा जीवन किस काम का। तो फिर हे भगवान उठा ले मुझे इस संसार से, ऐसा कोई कोई मतलब व्यंग के आधार पर मतलब बोल सकते हैं। हो सकता है किसी के मन में विचार आए, जब खुशी नहीं मनाना, दुख नहीं जताना, तो फिर करना क्या है जीवन का, फिर मतलब चले जाना ही संसार से, अच्छा है। किसी किसी के मन में ये विचार आ सकता है, परंतु ये आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है, चरक जी ने स्वयं कहा है कि आनंद रोगनाशनम विषाद रोगोवर्धनम, आपको प्रतिक्षण हर क्षण जो है आनंद में निवास करना है, और सोच समझना है कि मैं आनंद हूँ, अहम आनंदम, मतलब मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं सत्चित आनंद का स्वरूप हूँ, ऐसा प्रतिक्षण हर पल आपको चिंतन करना है, मनन करना है, स्मरण करते रहना है, और अपने मन को बताना है, हे मन तो बावला है तू, क्या मतलब ऐसा मतलब दुखी होता है, सुखी होता है, खुश हो जाता है, मुझे दुख और खुशी से कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, और तू जो है मेरी बात मान, तो ये थोड़ा सा मतलब कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाता है, कुछ गुम हो जाता है तो या नष्ट हो जाता है तो दुखी हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, तुझे मतलब मालूम ही नहीं है जिंदगी कैसे, जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो मेरी बात मान, मैं जैसे आनंद में रहता हूँ तू भी आनंद में रहे, तो मेरे साथ साथ तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। अपने मन को प्रतिदिन ऐसा समझाना है, बताना है। तो यदि आप अपने मन को ऐसे समझाते जाएंगे, भ्राजव पित्त आपका विकृत हुआ भी होगा, तो धीरे 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 वो प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगा बिना किसी औषधि के, वो भी मैं बता रहा हूँ, आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। हर बार आप औषधि के विषय में मन में मत सोचिए कि क्या औषधि है, इसका क्या उपचार है, क्या मतलब बटी गुटी है, क्या ऐसा जड़ी बूटी है कि इसको खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, जैसे देवता लोग हो गए हैं, ऐसा उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि देवता लोग आज रो रहे हैं
कि हमने अमृत का पान क्यों किया, हम अमर बने क्यों, वो अच्छा होता है मतलब मर जाते हैं, जब हमारा समय आता है तो मृत्यु के आधा न होता, हम काल के आपस में हमारा जीवन जो है समाप्त होता है, फिर नए से जन्म होते, नए सिरे से सब कुछ आरंभ होते, तो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। ये तो मृत्यु लोक के प्राणी जो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छे है, उनका तो सौभाग्य है, परम भाग्य है कि वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। हालांकि जन्म लेते समय और मरते समय थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कैसे कष्ट होता है तो कहा जाता है कि एक बिच्छू यदि किसी को डंग मारता है तो कितना पीड़ा होता है, और उसमें कहा गया है 1,000 के बिच्छू यदि आपको एक साथ में यदि मतलब डंक मारे तो कितने जोर से मतलब ज्यादा जलन होगी, मतलब दाह होगा और पीड़ा होगा, पीड़ा होगी तो उतनी दाह यानी कि जलन और उतने ही पीड़ा एक ही साथ में आपको बच्चे मतलब बच्चे को जन्म लेते समय और किसी को अपने शरीर छोड़ते समय उतना ही जलन, उतना ही कष्ट, उतना ही पीड़ा अवश्य होती है और सबको होती है। हाँ, हालांकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम के आधार पर अपने जीवन को योगमय बना लेते हैं तो अपने मन को, जैसे हमने कल बोला था, सर्जरी करते समय आप अपने आंखों से देख रहे होंगे कि आपका उंगली कट रहा है, हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, आपका स्तन कट रहा है, फिर भी आपको अनुभव नहीं आता, आप देख रहे परंतु कोई अनुभव नहीं होता। फिर उसी तरह जो है, जब कोई योगमय बन जाता है, जो कोई अपना जीवन को योग से विलीन कर देता है, अपने आपका ये शरीर को अपना सब कुछ नहीं मानता, ये शरीर को अपना नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तो अजर आत्मा हूँ, अमर आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, जो इस प्रकार से जो मनन करते, चिंतन करते, कल्पना करते हैं, उन्हें शरीर छोड़ते समय उतना कष्ट नहीं होता, वो तो आनंद से जीवन को जो करके आनंदमय कोष से ये शरीर जो है वो त्याग कर देते हैं। अभी इसको देखते हैं कि वो कैसे होता है हमारा शरीर जो भ्राजपित विकृत हो जाता है। तो आयुर्वेद के चरक संहिता के विमान स्थान में ये कहा गया है, चरक संहिता विमान स्थान के आधार पर यदि किसी के पास में है तो निकाल लीजिए, मैं जल्दी जल्दी में उसका अध्याय का नाम लेना निकालना मैं याद नहीं रहा, मैं भूल गया हूँ, कल बता दूंगा कि कौन से अध्याय में है, परंतु ये चरक संहिता का विमान स्थान से ये लिया हुआ है, चरक संहिता विमान स्थान और सूत्र स्थान दोनों स्थानों से निकाल करके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कहा है चरक जी ने कि जो हमारा अंतःकरण यानी कि जो मन है, जो बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे जो मन के चार स्तर है, चार स्थिति है, या तो चार स्तर है, चार वर्ग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसमें जो है सुख या तो दुख के साथ में जब संबंध होता है और उसको प्रभावित में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है, तो हमारा भ्राजा पित्त को विकृत करता है। तो कैसे विकृत करता है, तो उसमें चरक जी ने कहा है मन में जो है जिस प्रकार से चार स्तर होते हैं, ठीक उसी तरह मन को विकृत करके भ्राजपित्त को विकृत करने में मन की तीन दुर्दशा होती है यानी कि तीन गति होती है। तो तीन गति यानी कि तीन दशा, जो दुर्दशा है वो क्या है, तो सबसे पहले कहा जाता है मल, मन का मल दोष, सबसे पहले मल दोष है यानी कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में से पसीना निकलता है वो मल है, आंखों में से कीचड़ निकलता है वो मल है, हमारा पुरुष निकलता है मल द्वार से वो मल है, मूत्र द्वार से मल मूत्र निकलता है तो मल है, वो गंदगी है, वो कोई ऐसा कोई मतलब दिव्य पदार्थ नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे जीभ के ऊपर भी मल निकलता है वो भी दिव्य पदार्थ नहीं है, गंदगी है। ठीक उसी तरह नाक का मैल, कान का मैल और आंखों का मैल, जितने सारे हमारे इंद्रिय है सबसे जो है मैल निकलता है, गंदगी निकलती है। तो ठीक उसी तरह मन का भी मल निकलता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, उसी विषय को आज समझना है कि मन का मल कौन है, मन का मेल कैसे निकलता है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले ये कहा है चरक जी ने कि मन का सबसे पहले जो है मल दोष से आकृत हो जाते हैं, मतलब कि आवृत हो जाता है, उसमें चारों ओर से घिर जाता है, घेरा जाता है। उसके बाद में जो दूसरा दोष है वो विक्षेप दोष है, विक्षेप दोष है यानी कि उसमें चंचलता आना, चंचलता, अस्थिरता, जिस प्रकार से हवा चलता रहता है, चलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिस प्रकार झरना, झरने का पानी कभी टिकता नहीं, ऊपर से गिरा मतलब गिरा तो नीचे ही डायरेक्ट गिरेगा, सीधा गिरेगा, वो बीच में कहीं अटकता नहीं, ठीक उसी तरह मन जो है वो पतन की ओर गिरता है और चलता है और चंचलता लिए चलता है, तो ये मन का विक्षेप दोष है। उसके बाद में कहते हैं मन का आवरण दोष, आवरण यानी कि अज्ञान का पर्दा यानी कि अज्ञान का अंधकार या तो अज्ञान का ढक्कन या तो उसका एक प्रकार से जो है पर्दा ही समझ लीजिए, अज्ञान का अंधकार पर्दा जो भी है, तो उसे आवरण के नाम से चरक जी ने कहा है, संस्कृत में आवरण कहा जाता है। ये मन का तीन दोष है, तीन मल है, ये तीन दुर्दशा के कारण, तीन गति के कारण जो है मन जो है दूषित हो जाता है और हमारा भ्राजपित्त को विकृत कर देता है। अभी ये तीनों दोष को बारीकी से हम उसको समझते हैं कि ये कैसे विकृत होता है, इसका क्या उसका रहस्य है। तो सबसे पहले समझते हैं मन का मल दोष, इसके विषय में चरक जी ने कहा है मन का मल दोष जो है वो हमारे विकार,
शास्त्र के न पढ़ने से, यानी कि जो हमारे जितने सारे ऋषियों ने जो बताए गए हैं या तो लिख गए हैं, उन ऋषियों के रचे हुए ग्रंथों को, शास्त्र को जो अध्ययन नहीं करते हैं, यानी कि स्वाध्याय नहीं करते, जो प्रतिदिन पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते, उनका मन जो है मल हो जाता है, मतलब मलिन और दूषित हो जाता है, गंदगी से भर पड़ता है, या तो मन जो है उसमें दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है ना कि खाली मन शैतान का घर, ये भी एक कथा प्रवाद है, लोक प्रचलित कथा है। इसी बात को चरक जी ने कहा है कि जब हम शास्त्र का प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, तो प्रतिदिन अध्ययन स्वाध्याय करते रहेंगे, तो हर दिन जो है आपको अलग अलग नई नई बातें आपको जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और कुछ करने को मन में इच्छा होगी, पूर्ण प्रेरणा होगी, तो आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और जो आपने पढ़ा या तो जाना वो दूसरों को बता देंगे। जैसे अभी हमारा सत्र चलता है, तो मुझे प्रतिदिन 1.5 घंटा या तो 2 घंटा तक जो है ना हमें पढ़ना होता है कि इसमें चरक संहिता में क्या लिखा है, सुश्रुत संहिता में क्या लिखा है। तो जो इस प्रकार से पढ़ करके आगे मतलब बढ़ते हैं, तो आप लोग को हम प्रतिदिन नई नई बातें हम लोग को मतलब बताने में हमें भी आनंद आता है, आप लोग को भी आनंद आता है, और नई नई जानकारी भी प्राप्त होती है। फिर भी देखिए अभी इतने सारे मतलब 218 मतलब सत्र हो गए, 214 सत्र हो गए, फिर भी जो ज्ञान है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो इतना जो हमें मतलब जानकारी है कि 25 वर्ष तक मतलब हो सकता है, अभी हम मतलब जैसे बोल रहे हैं, तो 25 वर्ष तक और मतलब अध्ययन करेंगे, और देखेंगे, और समझेंगे, और अनुभव करेंगे, तो फिर उसमें और 25 वर्ष तक चल सकता है। तो आयुर्वेद जो है जीवन भर कभी समाप्त नहीं होती, जितने सारे संहिता है आप उसको पढ़ेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, उसकी एक कुछ सीमा है कि 36 संहिता है, 36 संहिता का पढ़ने बाद में उसका और कुछ नहीं है। जैसे मतलब 4 वेद मानते हैं, 4 वेद के पढ़ने के बाद में और कोई कुछ है नहीं, जैसे मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है तो 14 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको पढ़ने के बाद में समाप्त हो गया, परंतु सब में इतना है, कुछ सीमित है, वेद हो चाहे उपनिषद हो, दर्शन हो, कुछ भी हो, संहिता हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, सब में सीमा सीमित है कि इतना ही है, इसकी संख्या इतनी है, आपको इसको पढ़ना है। हाँ, हम इसको कल्पना करते हुए, समझते हुए, उसको मन में मंथन करते हुए, हम अपने मन से विचार करते हुए उसके कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, परंतु पढ़ने की जो सीमा, ग्रंथों की जो कुछ सीमा है, आयुर्वेद में कहीं पर भी मतलब ऐसा सीमा नहीं है कि आयुर्वेद के इतने ग्रंथ है, इतने श्लोक है, इतने मंत्र है, कहीं पर भी आपको इसका सुनने को पढ़ने को आज तक किसी के भी मतलब पास से नहीं मिलेगा। परंतु आप देखेंगे किसी आचार्य को पूछेंगे, अच्छा ऋग्वेद के कितने मंत्र हैं, तो बताएंगे कि इतने हजार के मंत्र हैं, अच्छा, ऋग्वेद के इतने हजार के मंत्र हैं, अच्छा, यजुर्वेद के, तो आचार्य बताएंगे कि यजुर्वेद के इतने ही मंत्र है, सामवेद के इतने ही मंत्र है, अथर्ववेद के इतने ही मंत्र है, और फिर बोलेंगे बस इतना ही मंत्र है, तो आचार्य जी मतलब अतिशयोक्ति करके बोलेंगे, अरे एक एक मंत्र के आप चाहो तो हजारों के अर्थ में मतलब कर सकते हो, आप केवल मंथन करते रहो, चिंतन करते रहो, बस इसमें अपना अपना जीवन निकाल दो, और मतलब करो या कुछ और संसार के लिए, सृष्टि के लिए कुछ अलग करो या ना करो, मंथन करते हुए, विचार करते हुए पूरा जीवन निकाल दो, क्योंकि इसमें इतने सारे अर्थ निकलते हैं। ये केवल कहने का ये मतलब वाणी में बाहुल्य है और कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से देखे देखने जाएंगे ये उचित नहीं है, सर्वथा उचित नहीं है। हाँ, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो हिमालय के कंदराओं में बैठा है, ये उनके लिए उचित है, गृहस्थ धर्म में जो प्राणी है उनके लिए उचित नहीं है, ये सर्वथा उचित नहीं है, सार्थक नहीं है। फिर उसके बाद में देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ संहिता है, उसमें सब सीमित है, परंतु आयुर्वेद में आज तक किसी एक ग्रंथ में हमें आज तक पढ़ने को, सुनने को, जानने को नहीं मिला, किसी एक वैद्य से, किसी एक आचार्य से, किसी एक गुरु के मुख से भी हमने मतलब पूछा, जब प्रश्न किया तो उत्तर यह आया कि हमें नहीं पता कि आयुर्वेद के कितने श्लोक है या आयुर्वेद के कितने मंत्र है। आज तक कोई एक व्यक्ति ये बताने को मतलब प्रस्तुत ही नहीं है कि आयुर्वेद के इतने मंत्र है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आयुर्वेद में इतने मंत्र है, ये कोई क्यों नहीं बता पा रहा है, जबकि हम सब बताते हैं कि ये वेद में इतने मंत्र है, वो ब्राह्मण ग्रंथ में इतने मंत्र है, उपनिषद में इतने मंत्र है, संहिता में इतने मंत्र है, वाल्मीकि रामायण में इतने मंत्र है, महाभारत में इतने मंत्र है, इन पुराणों में इतने मंत्र है, तो आयुर्वेद के इतने मंत्र इतने नहीं, पुराणों में श्लोक होते हैं, मैंने गलत बोल दिया, संहिताओं में श्लोक होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्र होते हैं, उपनिषदों में मंत्र होता है, पुराणों में इतिहास में श्लोक होता है, तो इतने सारे श्लोक है, तो आयुर्वेद में कम से कम कितना श्लोक है कोई तो बता दो। तो आज तक किसी के भी मतलब साहस नहीं जुटा पाए कि आयुर्वेद के इतने श्लोक है, लो हम बता रहे हैं आयुर्वेद के इतने श्लोक है, और प्रमाण के साथ में बता रहे, लो ऐसा आज तक एक व्यक्ति, हमने आज तक 19 वर्ष हो गए ये चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ते हुए, सभी वैद्यों से, सभी गुरुओं से मिले, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया। वो इसलिए नहीं बता पाए, हम उसका रहस्य बताते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के जो ज्ञान है वो सबके ज्ञानों के जो मतलब मूल पीठ है, मूल जो कंध है वो यही है आयुर्वेद। जब हम बोलते हैं कि आयुर्वेद से सब कुछ निकला हुआ है, तो किसी किसी को हजम नहीं होता है,
अरे क्या ये मतलब सत्यवान आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करता है तो आयुर्वेद को बढ़ा बढ़ा के चढ़ा चढ़ा के बोलता है, फेंकता रहता है बहुत मतलब ज्यादा, परंतु ये फेंक नहीं रहे, यही वास्तविकता है। क्योंकि जहां से उद्गम होता है उसके उद्गम के विषय में कोई किसी को पता नहीं है। जैसे मतलब बाप की महिमा कोई बाप ही बता सकता है, कोई बेटा नहीं बता सकता। तो बाप जो है सबके पिता जो है आयुर्वेद है, और आयुर्वेद से ही सभी कुछ मतलब विद्या सभी कुछ प्रकार के ज्ञान निकला हुआ है। इसीलिए आज तक किसी को भी पता नहीं कि आयुर्वेद के श्लोक संख्या कितने हैं, यही उसका रहस्य है। फिर उसके बाद में देखते हैं इसी आयुर्वेद में कहा गया है कि अंतकरण में जो तीन दोष होता है हमारे, एक है मल दोष, दूसरा विक्षेप दोष, तीसरा आवरण दोष। तो मल का दोष क्या है कि किसी भी प्रकार के मल दोष होना, यानी कि जब आप किसी के साथ में स्नेह में बंधन में बन जाते हैं, यदि आपका कोई उपकार करता है तो बोलते हैं अरे वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। यदि कोई आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके विषय में कोई ऐसा बोल देता है, या तो आपके विषय में आपको, या तो आपके कोई हानि होती है, कोई क्षति होती है, तो आपके मन में उसके विषय में मतलब वितराग हो जाता है। वितर यानी कि एक प्रकार से राग हो जाता है, यानी कि क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव मतलब संचित हो जाता है। फिर उसके बाद में द्वेष, मतलब हाँ मतलब मैं भी वैद्य मतलब चिकित्सा कर रहा हूँ, वो भी चिकित्सा कर रहा है, उसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, उसके पास इतना मतलब संपत्ति कहाँ से आया, मेरे पास इतना संपत्ति नहीं कर पाया, उसके पास ये फोर व्हीलर है, मेरे पास तो फोर व्हीलर नहीं है, बाइक भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो तुलना करना किसी के साथ में, अपने तुलना करना और अपने आप को नीचा दिखाते हुए दूसरे को तुलना करना, या तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दूसरे को नीचा दिखाना, तो इसे आयुर्वेद में द्वेष कहा गया है, और सभी आध्यात्म शास्त्रों में आध्यात्म विद्या में इसे द्वेष नाम दिया गया है। तो यदि आप द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं तो ये मन का मैल है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यदि आप बार 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 किसी भी प्रकार लोभित मतलब हो जाते हैं, लालायित होते हैं, लोभ को अपने मन में संबंध के मन के साथ में जोड़ते हैं, मतलब मन को लोभ से ग्रसित कराते हैं, तो आपका मन में मल निकलता है, मतलब वो मलिन हो जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यदि किसी प्राणी के प्रति, या तो किसी जमीन के प्रति, किसी घरवार के प्रति, स्थावर अस्थावर संपत्ति के प्रति, जो आधि दैविक आधि भौतिक है, तो आधि भौतिक संपत्ति के प्रति यदि आपका मोह है, मतलब एक प्रकार से जैसे दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को राज्यों की संपत्तियों के साथ में मोह था, और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के साथ में मोह था, इसी के कारण उनका पूरा संपूर्ण कुरुकुल का विनाश हो गया। ये महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलता है, महाभारत युद्ध के परिणति में ये अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो जब मोह होता है, मोह से क्या होता है, अज्ञानता बढ़ती है, और जो है इसके बाद में कहते हैं अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार है, जैसे मतलब कोई मान ले कि मतलब भगवान मेरे हैं, ये भी एक प्रकार से अहंकार है। भगवान ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपना दास रूप में स्वीकार किया है, या तो परमात्मा को स्वीकार मतलब स्मरण करने में परमात्मा मुझ पर कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए मैं उनकी कृपा करता हूँ, तो ये आपका सत्य का अहंकार होगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। परंतु यदि आप बोलेंगे मैं तो सुबह शाम परमात्मा का याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मैं परमात्मा का जब तक स्मरण नहीं तब नहीं करूँ, तब तक मैं जो है मैं भोजन नहीं करता, अन्न जल ग्रहण नहीं करता, तो आपका ये जो है राजसिक अहंकार है, और इससे आपका मन मलिन हो सकता है। क्योंकि ये अहंकार भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। वो अहंकार जो है आपका सात्विक हो तो अच्छा है। फिर उसके बाद में आता है ईर्ष्या किसी के प्रति, मतलब मेरे पास नहीं है उसके पास मतलब है, इस प्रकार से मतलब किसी के साथ में ईर्ष्या करना, तो आदि जो वृत्ति होते हैं ये मन का मल होता है, इसे इसी को मन का मल कहा जाता है, और इससे जो है मन मलिन हो जाता है, और जब मन मलिन हो जाता है तो आपका भ्राजव पित्त विकृत होता है। और केवल इतना ही नहीं, मन जब मलिन होता है ना तो उसका फिर प्रमोशन होने लगता है, यानी कि उसकी प्रगति होती है। कैसे प्रगति होती है, तो अभी जैसे मतलब कहा कि अंतःकरण के तीन दोष होते हैं, एक मल, दूसरा विक्षेप, विक्षेप यानी कि चंचलता, यानी कि बिखर पड़ना। जैसे मतलब मान लीजिए आपने कोई मोती का माला लिया और आपने कहीं से बीच में काट दिया, तो उस माला में जितने मोती होंगे सारे के सारे बिखर पड़ेंगे। आप बोलेंगे ये अब हाँ, हर बार मोती की माला को क्यों लेते हैं, दूसरे मणियों की माला को क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमने मोती की माला को देखा, उसको अंदर काट करके बीच में से तो सारे मोती अपने आप में गिर गए, परंतु हमने फिटी करी जो स्फटिक माला है उसको काट के देखा तो स्फटिक माला गिरता नहीं है, उसमें चिपके रहता है। तुलसी की माला देखा काट करके, रुद्राक्ष की माला हमने काट के देखा, और ये पुष्प इसका प्रबल का माला हमने काट के देखा तो वो गिरते नहीं है, परंतु मोती की माला बिना देरी के बिना विलंब से घड़ाघट खड़ाघट फटाफट मतलब वो गिर जाते हैं नीचे जमीन पे। तो हर बार जो है मोती की माला को ही मतलब उदाहरण में लिया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो तो वही जान सकता है। तो जैसे मोती की माला तुरंत तुरंत गिर जाता है, तो हमारा मन जो है तुरंत ऐसे ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, और वो हवा की तरह वो चलता रहता है, बिखरता रहता है, मतलब उसमें विक्षेप यानी कि चंचलता आ जाती है। जब चंचलता आ जाती है फिर आपके मन में, तो पहले क्या मन मलिन हो गया, यानी कि आपके मन में राग क्रोध आ गया,
काम आ गई, वासना आ गई, द्वेष आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, लोभ आ गया, मोह हो गया, मद, ये सब मतलब आ गया, ये सब मतलब मन मलिन हो गए। उसके बाद में ये सब तो पहले मन मलिन हो गए, फिर आपका मन जो है अस्थिर हो गया, चंचलता हो गया, फिर आप अपने मन को अपने वश में करने में आप हमेशा जो है सदा नाकामयाब रहेंगे, मतलब असफल रहेंगे। फिर इससे क्या होगा, इसलिए मन इधर उधर भटकेगा, इधर उधर भटकेगा, बिखरेगा, फिर संयम नहीं होगा, फिर आप किसको क्या बोलेंगे, किसके मतलब किसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, आपको स्वयं का चेतना नहीं रहेगी, स्वयं को पता नहीं चलेगा कि मैंने उसको क्या बोला, मैंने वहां पर क्या किया, मैंने उसको क्या दिया, मैंने उससे क्या लिया, मैंने उसको कहाँ मारा, मैंने उसको क्या मतलब गाली दिया, मतलब मेरे जो आचरण है उसमें कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं पे त्रुटि तो नहीं रही, वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका जो मन जो है चंचलता के वश में आवेश हो चुका है। फिर उसके बाद प्रगति हो जाता है, क्या होता है कि उसमें आवरण दोष आने लगता है। जिस प्रकार का आपके घर में दर्पण है, दर्पण अच्छा है, नया भी है, परंतु यदि उसमें धूल लग जाए तो नया दर्पण भी होगा फिर भी उसमें आपको प्रतिबिंब अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार जब उसमें मल दोष और विक्षेप दोष होने लगता है तो आपका मन में आवरण हो जाता है। तो जब आवरण हो जाता है मल का, ये उसमें मतलब मल का विक्षेप का आवरण हो जाता है, तो आपके मन में मतलब विचार में विवेक जो होता है उसमें अज्ञानता धीरे 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 पर्दा करने लगता है। तो जब अज्ञानता पर्दा करने लग जाता है तो नित्य को अनित्य समझने लगता है मनुष्य, और अनित्य को नित्य समझने लगता है, सत्य को असत्य समझने लगता है, और असत्य को सत्य समझने लगता है। ठीक उसी प्रकार वास्तव को अवास्तव और अवास्तव को वास्तव, इस प्रकार से ये समझने लगता है, और जो नश्वर है उसे शाश्वत समझने लगता है, और शाश्वत को नश्वर समझने लगता है। ये उससे बड़ी भूल हो जाती है। और जो अधिष्ठाता अधिष्ठान है, अधिष्ठाता अधिष्ठान में उसको कभी सम्मान ही देना उसको आता ही नहीं, वो समझता ही नहीं, अरे इसको क्या मान देना, ये मेरे से थोड़ी कोई बड़ा है, मैं तो इससे आयु से बड़ा हूँ, मैं तो इससे धन से बड़ा हूँ, मैं तो संपत्ति से बड़ा हूँ, मैं तो इसका घरवार से बड़ा हूँ, उसके पास बाइक है तो मेरे पास कार है, हर बार मैं मतलब मैं तो उससे बैंक बैलेंस से भी बड़ा हुआ हूँ, मैं तो उससे अधिक सुंदर हूँ, अरे वो तो काला है, मैं तो गोरा हूँ, ऐसे मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार से वो तुलना उपमा करके उदाहरण दे करके जो है वो आगे चलता रहता है अपने जीवन को, बड़े घिसरते हुए घिसरते हुए उसे खींचते हुए अपने जीवन के नैया को चलाते रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सत्य असत्य में, नित्य अनित्य में, शाश्वत नश्वर में, वास्तव अवास्तव में उसे पूरा अंतर कर पाना उसके वश में नहीं होता। फिर क्या होता है कि उसका जो भला जो होना होता है वो फिर भला नहीं होता। फिर क्या होता है कि उसको जो है दर्पण के साथ में, पानी के साथ में उसका संबंध नहीं रहता। आप बोलेंगे दर्पण और पानी के साथ में क्या संबंध है, अभी यहाँ पे दर्पण के साथ में संबंध ऐसा है कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन जब प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होता है, हम स्नान करके आते हैं तो कंघी करने के लिए, बाल बनाने के लिए दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। तो दर्पण के साथ में संबंध रहने का अर्थ है वो प्रतिदिन फिर ध्यान लगाने का उसका मन नहीं करता, अपने ही स्वरूप का जो आत्म ज्योति है, जो ज्योति ज्योति दर्शन है, उसको दर्शन करने के मतलब प्राणायाम करने के लिए दर्शन करने को उसका मन ही नहीं जाएगा। ये उसका होता है कि दर्पण के साथ में संबंध नहीं होना, ये न्याय दर्शन में कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं पानी के साथ में उसका संबंध नहीं होना, पानी के साथ में संबंध यानी के पानी जिस प्रकार से चलता रहता है, चलता रहता है, जैसे मतलब कल हमने कहा था कि मनुष्य का जो है प्राणी का मन का जो स्वभाव है कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से कोई झरना का सृष्टि हुआ, उद्गम हुआ, जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक वो प्रवाहित होता रहता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जो मन है, मन को अपने आवेश में कर करके, अपने वश में करके, उसको अपना माध्यम साधना बना करके, साधन बना करके, उसको इस प्रकार से आगे चलना है चाहिए कि जब तक मैं परमात्मा को प्राप्त न कर लूँ, जब तक मैं आत्म साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मैं स्थिर नहीं बैठूंगा, मैं स्थिर नहीं बैठूंगा, और मेरा जो है मैं धीरता से काम नहीं लूंगा, मतलब गंभीरता से, मतलब सीरियसली मैं काम लूंगा, गंभीरता से मैं काम लूंगा इसको, इस प्रकार से जो करेंगे तो कहा जाता है वो पानी के साथ में उसका संबंध होता है, यानी कि जैसा पानी है वैसा वो है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहता पानी और संत, नदी और संत कभी एक जगह मतलब एक दिन कभी नहीं रुकते, एक जगह एक दिन कभी नहीं रुकते, आप लोगों ने सुना भी होगा कथा प्रभात है। और ये कथा प्रभात मनुष्य में कहाँ से आया, ये महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, आदि आदि पर्व में ये बात लिखा हुआ है, हालांकि उस श्लोक को हमें अभी हमें याद नहीं है परंतु ये उसमें ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, सुख दुख तो मानसिक है, तो अपने मन को अपने वश में करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे जो है हमको ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा मानसिक विकृत न हो, मन विकृत न हो, और मन में मलिनता न हो, और जिसके कारण भाजव पित्त विकृत न हो। तो सबसे पहले ये रखना चाहिए कि कोई पुरुष हो तो अपने स्त्री के प्रति अधिक मात्रा में जो है समागम करने के लिए इच्छा नहीं करना चाहिए,
ठीक उसी तरह स्त्री को भी अपने पुरुष के अपने स्वामी के प्रति पति के साथ में अधिक दिन जो है अधिक बार बार समागम करने के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला सूत्र है। अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, तो वो विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं तो उन्हें तो फिर लाइसेंस मिल गया मतलब वो करने के लिए, फिर आप मना करने वाले आप कौन होते हैं? आप कोई मतलब भगवान है क्या? ऐसा भी कोई किसी किसी के मन में प्रश्न आएंगे, आप कोई मतलब कोई ऐसा महापुरुष हो, कोई भगवान हो क्या? तो इसका उत्तर ये है कि शुक्र के आधार पर हमारा जीवन होता है। कहा जाता है कि मलायतम च जीवनम, नहीं मैंने गलत बोला, मलायतम बलम पुंसा शुक्रायतम च जीवनम, मतलब यदि आपका मल जो हमारे शरीर में जितने सारे मल है वो यदि निकलता रहा है तो आपका शरीर जो है बलवान है, यानी कि आप बलिष्ठ शरीर है। ठीक उसी तरह आपके शरीर में यदि शुक्र धातु, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष में ही शुक्र धातु होती है, स्त्रियों में भी शुक्र धातु होती है, तो पुरुष हो स्त्री हो दोनों में यदि शुक्र धातु अधिक मात्रा में होती है, श्रेष्ठत्व भाव से होता है, तो उनका जीवन आनंद से गुजरता है, आनंद से बीतता है, ऐसा आयुर्वेद के सूत्र में चरक जी ने मतलब लिखा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि 28 दिन 6 घंटे के बाद में, मतलब हर 28 दिन में, मतलब कम से कम साल में 13 बार आप समागम कर सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेद का आपका अनुमति है। परंतु उसमें भी देखेंगे आयुर्वेद के शरीर स्थान के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें ये कहा है कि जो 4 वर्ग के जो हमारे पुरुष और स्त्री है उसके जो विभाजन किया है उसके आधार पर भी आप समागम की एक सूची मतलब उसके नियम से आप बंद कर सकते हैं, बांध सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी तरह ये कहा गया है कि यदि आपको फिर भी अपने मतलब अधिक मात्रा में समागम करने की इच्छा है तो उसमें ये कहा गया है कि आपको प्रतिदिन मतलब क्या करना है कि अधिक मात्रा में जो हरिभक्त होते हैं या तो ऋषियों के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लिए कहा गया है, और अधिक मात्रा में श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो आपका मन जो है आपके बस में रहेगा, कामुकता से ग्रसित नहीं होगा। इसीलिए रात को सोने से पहले भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का कम से कम एक अध्याय पढ़ करके सोना चाहिए। तो जिनको स्वप्न दोष होता है हमने उनको बोला कि श्रीमद् भागवत महापुराण का केवल एक अध्याय पढ़ना है, उसके बाद में सोना है। सबसे पहले हाथ पर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, और मुंह में थोड़ा सा तुलसी 7-8 पत्ते लेकर के मुंह में रख करके, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना है। आपको समझ में आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है, तो केवल आप इतना करिए तो बिना औषधि के 21 दिन में ही स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। ये हमने प्रयोग किया है और ये परीक्षण है, परीक्षित योग है। आप चाहे तो इसको परीक्षण भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, 100% आपको लाभ मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के वो जो श्लोक इस प्रकार से रचना की गई उसके इतनी महिमा है, केवल उसको पढ़ने मात्र से शुक्र के विकार जो है काम विकार समन हो जाता है, परंतु उसको रात में पढ़ने से होता है सोने से पहले। उसको वही भागवत कथा को दिन में यदि पढ़ते हैं तो आपके वो मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही आप उसका आपको जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने सारे जो श्रीमद् भागवत कथा होती है वो तो केवल ऐसा ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का यदि सूत्र के आधार पर देखेंगे तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है एक जगह पे कि वो श्लोक क्या था, अभी मतलब याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, प्रातः द्योत प्रसंग है ना, सुबह सुबह में जब आप स्नान करके आए, जब प्राणायाम ज्ञान ये सब मतलब मंत्र जप कर लिया, उसके बाद में महाभारत की एक अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि मध्यान्ह स्त्री प्रसंग था, जब मध्यान्ह में भोजन करके करने के लिए आए, भोजन करने के पश्चात में आपको वाल्मीकि रामायण का जो संस्कृत में है वाल्मीकि रामायण, और कोई नहीं जैसे रामचरित मानस है और भी कई सारे मतलब है, उन सब की बात नहीं कर रहे, वाल्मीकि रामायण जो हमारे भारत का सृष्टि का आदि काव्य है उसको प्रतिदिन भोजन दोपहर के मध्यान्ह के भोजन के पश्चात एक अध्याय पढ़ना है। उसके बाद में कहते हैं कि रात्रौ चोर प्रसंगतः, मतलब रात को सोने से पहले चोर यानी कि जो संसार का सबसे बड़ा चोर है, चोर यानी कि जो चोरी करता है, जो हरण करता है, तो कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु है, उनको चोर यानी कि हरि ऐसा कहा गया है, हरण करते हैं इसलिए उन्हें हरि कहा गया है। तो उनका जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण एक एक अध्याय प्रतिदिन रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से जो है कालो गच्छति धीमतः, मतलब जो सही में पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो ऐसे ही अपने जीवन को 3 भागों में 3-3 ग्रंथ अध्याय कर स्वाध्याय करते हुए वो अपने जीवन को बिताते हैं। उसके बाद में क्या क्या कहते हैं, हाँ, जिनका मन के विकृत होने के बाद में भ्राजपति विकृत होता है, उसमें कुछ लक्षण दिया गया है कि कैसे कैसे उनको पता चले कि मेरा मन विकृत हुआ है। सबसे पहले उसमें ये कहा गया है कि उनके आंखों में कोई ना कोई समस्या होगी, यानी कि आंखों से पानी गिरेगा, आंखों से अश्रुपात होंगे, या तो आंखों में खुजली होगा, आंखों पे चुभन जैसी पीड़ा होगी, या तो आंखों में कुछ ना कुछ समस्या उनको दिखाई देने लगेगा। ये सबसे पहला लक्षण है, मतलब मानसिक विकृत होने के बाद में जिनका भ्राजपति
विकृत होता है, ये उनके लिए नियम लागू है, ये सिद्धांत। सबसे पहले उनको आंखों के ऊपर ध्यान देना है, तो आंखों में उनको समस्या आएगी, या तो फिर दोबारा उनको यह है कि उनका जो मन में किसी के प्रति, किसी व्यक्ति या तो किसी प्राणी के प्रति आसक्ति भाव होगा, मतलब उसके बिना वो जी नहीं सकेंगे, उसके बिना उनको जीवन जो है ना, दिन तो कैसे कैसे बीत ले बीत जाएगा, परंतु रात को उनको नींद नहीं आएगी, वो केवल करवट बदलते बदलते हुए चला जाता है, जैसे कोई गीत है, करवट बदलते बदलते रहे रात भर हम आपकी कसम, तो ऐसे ही मतलब वो होगा। फिर तीसरे में मतलब क्या होगा कि मन में विभिन्न प्रकार के विचार ख्याल आते रहेंगे, ये मतलब जो जितने सारे विचार आएंगे वो किसी एक विषय पर नहीं, इस विषय पर, दूसरे विषय पर, फिर तीसरे विषय पर, दूसरे अन्य अन्य विषय पर वो आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, परंतु जो विचार आएंगे, जो ख्याल आएंगे, उसका जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, उसका जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उससे कोई लाभ होने वाला है, ऐसे प्रकार के विचार आने लगेंगे मन में, तरह तरह के भावना, भावना की लहरें गोताएं मतलब खाएंगे। उसके बाद में चौथे लक्षण क्या आएगा, उनकी नींद जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगी, नींद ही नहीं आएगी, ये उनका चौथा लक्षण है। फिर पंचम में क्या होगा, पांचवा लक्षण ये है, उनका धीरे 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 वजन कम होता जाएगा, वजन कम होता जाएगा, वो वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, वजन बढ़ाने के लिए सफेद मूसली का चूर्ण खाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा, फिर कोई बोलेगा कि बला का चूर्ण खाओ तो बला का चूर्ण खाएंगे, कोई बोलेगा कि अश्वगंधा पाक खाओ, मूसली पाक खाओ, ये खाओ वो खाओ, आपका वजन बढ़ जाएगा, परंतु उससे परिणाम नहीं मिलेगा, ये मतलब दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद में छठे में क्या होगा, छठे में ये होगा कि हमारे जितने सारे मतलब इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिय, पांच प्रकार के जो ज्ञान इंद्रिय है, उसमें तरह मतलब विभिन्न जैसे आंखों से क्या क्या देखने के लिए, मतलब आंखें दर्शन इंद्रिय है, उससे जितने सारे बुरा देखने के लिए मतलब खराब चीजें देखने के लिए इच्छा होगा, किसी को मतलब कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, वो सब मतलब देखने को इच्छा होगा, कोई किसी को गंदी बात करता है वो सुनने को इच्छा होगा, मतलब मन में गंदी गंदी मतलब मन में भाव विचार आएंगे, मन से जो है मतलब मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलेगी, अश्लीलता बातें मतलब निकलेगी, खराब खराब बातें निकलेगी, शब्द निकलेंगे, अशब्द जो अपशब्द होते हैं अपशब्द निकलेंगे। फिर उसके बाद में जो है इधर उधर मतलब सब जितने सारे जो दूषित खाद्य है, दूषित अन्न है, उसको सेवन करने के लिए, उसको खाने के लिए मन ललचाएगा, बाजारों की चीजें जितने सारे चटपटे खट्टे मीठे जो है जो भी है चटपटा चटपटा, उसको अधिक मात्रा में रूखा सूखा खाने के लिए मन करेगा, ये छठे सातवें लक्षण में आएगा। सातवें लक्षण में ये होगा कि उनको फिर मन में किसी प्रकार का लज्जा का अनुभव नहीं होगा, लाज शर्म को बेस खाएंगे, मतलब उनको क्योंकि मन में कामना वासना इतनी बढ़ जाएगी कि कहा जाता है कि नहीं कामा तृणाम लज्जा, मतलब जो कामना से वासना से ग्रसित हो जाते हैं उन्हें लाज शर्म बिल्कुल कुछ नहीं लगती, वो सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, बेच बाज देते हैं, ऐसे ही बांट देते हैं, तो उनको फिर जो सातवें में उनको लज्जा नहीं आएगी। फिर उसके बाद में कहते हैं आठवें में वो पागल जैसा उनका व्यवहार रहेगा, वो एक ही बात को 10 बार 12 बार 12 बार 12 बार 12 बार मतलब रटते रहेंगे बोलते रहेंगे एक ही बात को, वो सामने वाले को लगेगा क्या इसका तुम्हारा बीपी बढ़ गया क्या, ऐसा मतलब क्या पागल जैसी बात क्यों कर रहे हो, अभी तो तुमने बोला, अभी फिर से मतलब वो रट क्यों रहे हो तोते की तरह, वो इस प्रकार से उनको मतलब मुंह से बार 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 मतलब भावना आएंगी, मतलब बातें करेंगे और काम भी वही करेंगे। और नौ में क्या आएगा, नौ में ये आएगा, नींद तो नहीं आएगी परंतु उनका सर जो है इतना गर्म हो जाएगा कि उनको सोने से ही मतलब अच्छा लगेगा, उनको मन में भाव मतलब ये भावना आएगी, विचार आएगी, परंतु सोने के लिए जाएंगे तो नींद नहीं आ रही होगी, और सर जो है इतना गर्मी गर्मी उनको लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेरा ब्रेन अभी फट जाएगा, मतलब नस नाड़ी अभी फट जाएगी, ऐसा मतलब उनको अनुभव होने लगेगा। फिर दसवें में जो है उनका, यदि इसी प्रकार से चलता रहा, दसवां जो स्तर होता है दशम स्तर, वो सबसे बड़ा सांघातिक और भयंकर भयानक होता है, क्योंकि उससे जो है मस्तिष्क के बहुत सारे नस नाड़ियां और हमारे शरीर के नस नाड़ियां फट जाती है, और रक्त पित्त जो रोग होता है, जो लक्षण होता है, मतलब शरीर में से रक्त की कमी हो जाना, पित्त के बढ़ जाने से रक्त जल जाना, वो प्रकार की स्थिति हो जाती है जिनका मानसिक विकृत होकर के भाजपा पित्त विकृत होता है, तो इस प्रकार से जो है अंत में उनका मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये लक्षण मतलब होता है, मतलब एक एक करके आपको लक्षण उसको समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई यदि आपको देखेंगे कि ये कैसे पहचानेंगे, हाँ इसमें है, ये ऐसा है कि नहीं, तो ये लक्षण तभी आपको मतलब पता चलेगा, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, हाँ इसका मानसिक विकृत होकर के भैदव पित्त विकृत हुआ है, ये आपको कैसे पता करेंगे, आप बोलेंगे कि हमें पता कैसे करना है, तो पता ऐसे करना है कि अकेले में उनको घुटन सी लगेगी, उनको डर लगेगा, परंतु उनके साथ में कोई होगा तो उनको बिल्कुल डरने लगेगा, अरे मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, ऐसा आपको मतलब मन में उनको ऐसा लगेगा, मतलब ये मन में उनका भाव रहेगा। और ठीक उसी तरह जो है उनको बारीकी से कोई छोटे छोटे अक्षर है वो उनको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ये उनका लक्षण
रहेगा। ठीक, उसके बाद में जिसको किसी को यदि अधिक मात्रा में वामन उल्टी हो जाता है तो कैसे लक्षण रहता है, वो पूरा एकदम मुंह से लार जैसा टपकने जैसा, मुंह जो है उनका मुरझा जाता है, ऐसा मतलब मलिन दिखाई देता है, तेजोहीन दिखाई देता है, तो वैसा ही लक्षण दिखाई देगा जिसी को यदि किसी को आधे घंटे एक घंटे से वमन बार बार उल्टी हो रही है, तो जैसा लक्षण आपको उसके चेहरे पे दिखना चाहिए वही चेहरा मतलब वही लक्षण जो है इनके चेहरे पे दिखाई देने लगेगा। ये एक प्रकार से लक्षण है। और क्या है, और उनका मन कैसे मतलब क्यों विकृत होता है, ये मन में जितने सारे जो मतलब क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये क्यों आएगा, तो उसका भी मतलब कारण बता देते हैं। जो दूषित अन्न के प्रतिदिन सेवन करते रहते हैं, मतलब बाहर ही होटलों में भोजन करते रहते हैं, और जो अपने मल और मूत्र के बेगों को रोकते हैं, मतलब मल का बेग आ रहा है, मूत्र का बेग आ रहा है, पर भी रोक रहे हैं, और उसके बाद में जो अधिक मात्रा में तले हुए चीजों का सेवन करते हैं, आजकल तो जिधर भी देखो सब तले हुए चीजों का सेवन करते हैं, उसके बाद में कहते हैं जो अधिक मात्रा में रुक्ष आहार सेवन करते हैं, जैसे पापड़ हो गया ये रुक्ष आहार है, ठीक उसी तरह कचौरी है, ये प्रकार से रुक्ष आहार है, तो रुक्ष आहार का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में इसीलिए मना किया गया क्योंकि आपका मन विकृत हो जाएगा। और इसका यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आप अपने जीवन में देख लीजिए, आपने कभी ऐसा रुक्ष आहार सेवन किया और आपके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद में जो अधिक मात्रा में गर्मी का सेवन करते हैं, गर्मी का सेवन कौन करता है, जो सूपकार होते हैं यानी कि जो बावर्ची होते हैं, जो आग के पास ही मतलब रह करके सब करते हैं काम करते हैं, या तो फिर जो लोहकार होते हैं मतलब कमार साल जो होता है, आजकल तो कमार साल नहीं है, मतलब लोह साला जो होता है, जो लोहे बनाने वाले लोहकार है वो तो आज नहीं है, लोहार नहीं है, लोहार साला मतलब उड़ गया, मतलब ऐसा दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह शीत में अत्यधिक मात्रा में जो काम करते हैं, जैसे आजकल कोई बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री हो तो उसमें यदि कोई प्रतिदिन काम करता है तो उसके भी जो है मन धीरे 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 व्यस्त हो जाता है, और उनको हृदय के मन के बुद्धि का जो है उनको सही तरीके से काम नहीं करता। यदि आपको इसको प्रमाण चाहिए तो आप अपने आसपास जो बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाले आप उनको देख सकते हैं, यदि वो शराब नहीं पियेंगे तो उनका जीवन है ना तस्त त्रस्त विध्वस्त हो जाएगा, वो ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह और क्या होगा ना, जो अधिक मात्रा में केवल चिंतन करते रहेंगे, मतलब चिंता करते रहते हैं, चिंतन नहीं चिंता करते रहते हैं, और शोक करते रहते हैं, और हमेशा जो है उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको कुछ बोल देता है तो उनको ऐसा लगता है कि उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरी निंदा की है, मुझे जलील किया है, इसने ऐसा मतलब जिनको मन में ये भावना आती है तो भी जो है उनका मन में कलुषिता मन में मलिनता आ जाती है। उसके बाद में यदि कोई बार 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 अपना रक्त दान कर रहा है, जैसे कि हमने कई बार मतलब रंजक पित्त में भी बताया है कि रक्तदान आयुर्वेद के आधार पर सिद्धांत के आधार पर सही नहीं है, वो तो विकृत है, उसको विकृत कर्म है, तो विकृत कर्म करने से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, तो रक्त का दान करना ये भी एक प्रकार से आपके मन को जो है व्यथित करने वाला है, इसीलिए आज चारों ओर जो है रक्त का दान करते हैं, और जो लोग रक्त का दान करते हैं उनको देखिए 30 दिन तक उनका मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप कभी रक्त का दान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मतलब दुर्बलता की बात नहीं है, मन की बात है, अपने मन के ऊपर उसको उसको मतलब अनुभव करना है, यदि आपको किसी को अनुभव करना है तो कल ही जाकर के हॉस्पिटल में रक्त का जो है थोड़ा दान करिए अपने शक्ति शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, फिर जो है 30 दिन तक उसको अनुभव करिए। हाँ मतलब आयुर्वेद के आधार पर ये सही है कि नहीं है, गलत है कि सत्य है, मतलब सत्य है कि मिथ्या है, उसको अनुभव करिएगा। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि आपको भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब जीर्ण नहीं हो रही, हजम नहीं हो रहा है, फिर भी आप बार बार भोजन कर रहे हैं तो भी आपका जो मानसिक है वो विकृत हो जाएगा। ठीक उसके प्रकार यदि आपका पेट जितने बार भोजन कर रहे हो उतने बार आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी आपका मन जो है वो विकृत हो जाएगा। और फिर उसी तरह ऐसा है कि यदि किसी के स्त्रियों के मतलब लड़कियों के युवती अवस्था में युवा अवस्था में यदि उनको जरायु का मतलब विकृत होने लगा, जरायु का विकृत मतलब होता है तो भी मन विकृत होगा और जाकर के भ्राजव पित्त विकृत होगा। अभी आप बोलेंगे कि इसका जरायु के क्या साथ में क्या संबंध है, तो मैं आप सबको याद दिला दूं, स्मरण दिला दूं कि जब हमारे कला के विषय में जब बात चल रही थी, जब मतलब ये भ्राजव पित्त के जो 16 रोचन के विषय में जब बात चल रही थी तो आप लोग को याद होगा सबसे जो पहला रोचन है वो कला है, और कला क्या होता है, ये जरायु के स्थान पर जो है वहां पर वास करता है, तो जब ये सबसे पहले जरायु वहां पर विकृत होगा तो जरायु किसको, कला को विकृत करेगी, तो कला से क्या होगा, आशय सात आशय विकृत होगा, फिर सात धातु, फिर सात धातुमल, सात उपधातु, सात त्वचा, फिर तीन दोष, फिर स्नायु, फिर नाड़ी संधि,
इस प्रकार से अस्थि मर्म ऐसे जो है हमारा जो 16 प्रकार के रोचन है वो सब के सब एक एक करके विकृत होंगे और अंत में भ्राज पित्त जो है पूरी तरह से तहस नहस ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा। ये इतना गहरा बात है, इसलिए किसी को मतलब जरायु का दोष यानी कि गर्भाशय का कोई विकार है तो तुरंत उसको पूरी तरह से जड़ से उसको समाप्त करने के लिए ठीक करने के लिए उसको करना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए। आजकल तो मतलब किसी को नहीं होता है, मतलब किसी को 2 महीने में 3 बार आता है तो लड़कियां सोचती है चलो अच्छा है, वो तो फिर 5 दिन तक तो वो जाता रहता है, फिर शरीर से बूंद बूंद गिरता रहता है, बड़ा मतलब कष्ट लगता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता उसमें, फिर हमारा दिक्कत होती है उसको, फिर पेड़ बदलो ये करो वो करो, बड़ा ही गंदगी लगती है, उसका बदबू आती है, वो 2-3 महीना क्या सालों साल तो मतलब वो बंद नहीं भी आएगा तो भी अच्छा है। ऐसे किसी कितने लड़कियों के ये मन में विचार है, ये मन में विचार ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके माता जी ने उनको सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं कि ये क्या है, इसकी महत्ता के विषय में उनको पता नहीं, इसकी महिमा के आर्तव के विषय में उसकी पता नहीं है कि आर्तव यदि 28 दिन 6 होरे में यदि यानी कि 28 दिन 6 होरा यानी कि 6 तब नहीं आया नहीं निकला आर्तव यदि आपका शरीर में से पास नहीं हुआ तो आपके शरीर में रोग है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, ये आयुर्वेद का ही सूत्र है। तो फिर आजकल जो है इसके विषय में कोई ध्यान नहीं देता। फिर उसके बाद में ये है जो बड़े बुजुर्गों के साथ में निष्ठुरता से व्यवहार करते हैं और माता पिता गुरु देवता ब्राह्मण ये 5 व्यक्तियों के साथ में जो कड़े शब्दों का मतलब अश्लीलता से अभद्रता से मतलब व्यवहार करते हैं, फिर उसके बाद में जो प्रकृति को बिगाड़ते हैं प्रकृति को विकृत करते हैं प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं, जैसे आजकल हर कोई प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो ये बड़ी मतलब बात है, बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि उसका भ्राज पित्त विकृत हो रहा है। इसीलिए तो हर किसी को देखिए त्वचा का रोग है, किसी को सोरियासिस का रोग है, किसी को लेप्रोसी का रोग है, इधर देखो तो सफेद दाग है, इधर बाल झड़ रहे हैं बाल टूट रहे हैं, तो ये भी तो उसी भ्राज पित्त के अंतर्गत ही आते हैं। हर किसी के कैल्शियम मतलब बिगड़ है मतलब कम ही है, किसी के दांतों की समस्या है, किसी के हड्डी की समस्या है, किसी को घुटना का दर्द है, कोई बोलता है मेरे एड़ियों में दर्द है, कोई बोलता है मुझे कमजोरी है, कोई बोलता है मेरे कमर में दर्द है, कोई बोलता है मुझे क्या है, कोई डॉक्टर पहचान नहीं पा रहा है, कैसे पहचानेगा, भ्राज पित्त के अंदर जाएगा तभी उसको रोग को पहचान में आएगा ना, वो तो भ्राज पित्त नहीं जा रहा, अच्छा ये रोग हुआ है हाँ ठीक है आप ये औषध ले लीजिए, इतना दिन खा लीजिए, ये तेल मालिश कर लीजिए ठीक हो जाओगे और मुझे 15 दिन के बाद में बताना, वो करता है तब तक ठीक होता है, जैसे बंद कर देता है यथापूर्वम तथा परम, इससे क्या होगा क्योंकि आपने भ्राज पित्त के अंदर तो गए ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया उसको, अंदर से ठीक नहीं किया, ये दिक्कत है। फिर उसके बाद में कहते हैं जो पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता और जो पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती उनका भी मानसिक विकृत होकर के भ्राज पित्त विकृत होता है, ये आजकल हर घर में देखने को मिल जाता है, लगभग हर घर में तो नहीं कह सकते, ऐसे कुछ घर है जहां पर ये नहीं है परंतु कुछ घर है मतलब ऐसा मान सकते हैं कि 100 में से 90% ऐसे 100% में 90% घरों में ये आपको लक्षण देखने को मिलेगा, ये आपको दुस्थिति ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आजकल हर किसी के मानसिक जो है विकृत है और मानसिक विकृत होने के कारण जो है उनका भ्राज पित्त विकृत हुआ है। तो ये था मानसिक विकृति से लेकर के भ्राज पित्त के विषय में आप लोग के सामने बताने का, इस प्रकार से जो है और 2 भाग हो गया द्वितीय और तृतीय भाग, आशा करता हूँ इसमें जो आप लोग के सामने उपस्थापना किया गया आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और अपने मन को स्थिर बनाए रखिए, मलिन दोष से मल दोष से विक्षेप से आवरण से बचा के रखिए। बस इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, तब तक आपके मन में किसी को शंका हो प्रश्न हो उपस्थापना करें। जय जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलिए। हमने सुना है कि सहवास केवल संतान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ऐसा सुना था। तो अभी आपने बताया कि 28 दिन में एक बार आप संगम मैंने सहवास कर सकते हैं, तो जो संगम सहवास करते हैं तो संतान हमको नहीं चाहिए, तो ये बोलिए, कैसा? जी प्रश्न को तो पूरा करिए। मेरा जानना ये है कि सहवास केवल संतान प्राप्ति करने के लिए होता है, और अभी मैंने जाना आपसे कि 28 दिन में एक बार सहवास होना चाहिए। ठीक है जी। हेलो,
वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। राम राम, आवाज आ रही है? जी वैद्य जी आ रही है। हाँ, ये एक फोन आ गया जिसके कारण मेरा नेटवर्क चला गया था। वो भाई साहब कौन है? प्रमोद राव जी। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? दोबारा प्रश्न करिए तो। हेलो वैद्य जी, इनका प्रश्न था कि जी जी बोलिए कहिए। हाँ, दोबारा प्रश्न को बोल दीजिए। जी वैद्य जी, इनका प्रश्न था कि जो 28 दिन हाँ, पे जो ऋतुस्राव होता है हर महीने, तो आप बोले कि हर महीने 28 दिन के बाद सहवास कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सहवास करना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे फिर? अच्छा, हाँ, ये जो कहा गया है आपने, मतलब बिल्कुल सही है, ये भी कोई मतलब गलत नहीं है, परंतु यदि हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें बड़ी भूमिका है समागम का, सहवास का, क्योंकि उसे काम वर्ग में रखा गया है। जो हमारा त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, इसको काम वर्ग में लिया गया है, और आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ का नाम है खम्मड़ संहिता, उसमें ऋषि खम्मड़ जी ने ये प्रकार के लिखा है, और चरण संहिता में भी किसी जगह पे लिखा है, अध्याय का नाम याद नहीं है, सूत्र के आधार पर उन्होंने लिखा है कि स्त्रियों के 17 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक, मतलब 17 से 70 वर्ष तक उन्हें समागम करना चाहिए। ये इस प्रकार से मतलब आयुर्वेद का सूत्र है। और पुरुषों के लिए कहा गया है 25 वर्ष से लेकर के 78 वर्ष तक ये पुरुषों को करना चाहिए। यदि ये उसे करते हैं तो उनका भ्राजपित्त कभी विकृत नहीं होगा, ये सबसे पहला सूत्र है। और उसे ये कहा जाता है यदि नहीं करते हैं तो उनके शरीर में वात रोग होगा, वात रोग होने की संभावना अधिक मात्रा में है, और अधिक मात्रा में जो है उनका जो यकृत है, प्लीहा है, कला है, वो विकृत होने की अधिक संभावना है। इसीलिए आप देखेंगे जो वानप्रस्थ में जाते हैं, हमारे जो आध्यात्म शास्त्र है, जितने सारे शास्त्र है, उसमें ये कहा गया है यदि कोई वानप्रस्थ में जाएगा अपने मतलब पुत्र 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 वधु पोता पोती वो सब हो जाने के बाद में, यदि वो वानप्रस्थ में जाना चाहते हैं तो यदि अपने कामना से यदि अशांत है, शांत नहीं हुए, तो अपने पत्नी को साथ में लेकर के वानप्रस्थ में जा सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों मतलब लिखा गया, कहा गया? इसीलिए लिखा गया है, कहा गया है उस समय तो आपको तो पुत्र की कोई संतान की आवश्यकता नहीं है, फिर उस समय क्यों कहा गया है? वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्त्रियों को 70 वर्ष तक जो है और पुरुषों को 78 वर्ष तक, यानी कि 80 मान के चलिए और 2 साल ऐसा मतलब मिला करके चलिए, 80 वर्ष तक जो है समागम करने की मतलब छूट है, अनुमति है। यदि वो नहीं करते हैं तो आपके शरीर में रोग होगा, परंतु ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिदिन करना है या पूरे मतलब ऐसा हर ऋतु में करना है, ऐसा नहीं है। कुछ ऋतुओं में आपको मना किया गया है, कुछ ऋतुओं में आपको कहा गया है कि करना है, तो उसके ऋतुचर्या के आधार पर, जीवनचर्या के आधार पर, आयुर्वेद के नियमों के आधार पर यदि करते हैं तो फिर आपके शरीर में वो बलवर्धक होता है, वृक्षवर्धक होता है, और आपके जीवन शक्ति को जो है वो बदल मतलब प्रगति करती है, उन्नति करता है। यदि आप उसके विपरीत करते हैं तो वो मिथ्या योग कहलाएगा, और जैसे कि मतलब चरण संहिता में कहा गया सूत्र स्थान में, तो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, यानी कि अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, आप बिल्कुल नहीं करना तो वो हीन योग में आएगा, बार बार मतलब जितना करना उससे अधिक करना है तो वो अतियोग में आएगा, और जब नहीं करना तब करना, जब करना है तब नहीं करना है, ये मिथ्या योग में आएगा। और ये तीनों प्रकार का योग जो है आपके लिए रोग लेकर के आएगा, साथ में अपने व्याधि को, मतलब वो बड़ा सा बड़ा गंभीर व्याधि को अपने साथ में लेकर के आपको दे करके वो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है जी, जी बहन जी। प्रमोद राव जी है क्या? चले गए, पता नहीं चल रहा है वो है या नहीं है। भाई सुन रहे हैं भाई। अच्छा, हेलो, तो आपको उत्तर मिल गया? आपको उत्तर तो मिल गया, और एक इसी बारे में एक जानना है, अगर 28 दिन में हम सहवास करते हैं तो जो संतान को फिर कैसे रोकेंगे? हमको संतान तो नहीं चाहिए, फिर सहवास कैसे करें? उसमें भी सूत्र है, सूत्र उसमें कुछ ऐसा है,
यदि आपको मतलब संतान की कामना नहीं है, संतान नहीं चाहते हैं, तो उसमें जो नीम तेल होता है यानी कि निम्बोली का तेल है, निम्बोली का तेल उसमें लगा करके बराबर मतलब पुरुष और स्त्री दोनों कम से कम 10-15 मिनट तक उसमें मतलब मालिश करिए, लगाइए अंदर भी मतलब उसको प्रवेश कराइए। उसके बाद में समागम करेंगे तो कभी जो है उसमें बच्चा ठहर नहीं था, गर्भ नहीं होता है, गर्भ रुकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा योग है, आप इसको मतलब अपने जीवन में उसको मतलब ला सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में और भी मतलब ऐसे कई सारे योग है, मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। यदि जैसे कि मतलब कहा जाता है कि पाठा नाम का जो वनस्पति है जिसको संस्कृत में अम्बष्ठा के नाम से जाना जाता है, तो जब मतलब स्त्रियों के मान मान लीजिए कि आज वो मतलब आज उनको मतलब महावारी आया, मतलब आज उनको स्राव हुआ, आरंभ हुआ, पीरियड आरंभ हुआ, तो आज पहला दिन हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए अभी कितना समय हो जाए, अभी लगभग 9:50 हो रहे हैं, तो आज 9:50 को अभी आरंभ हुआ तो कल रात के 9:50 तक उनका एक दिन होता है, एक दिन माना जाता है बराबर। फिर कल से लेकर के जैसे कि आज क्या बार है, आज बुधवार है, तो बुधवार के रात को 9:50 से लेकर के गुरुवार के रात को 9:50 तक ये एक दिन है। गुरुवार के रात को 9:50 से लेकर के शुक्रवार के रात को 9:50 तक ये दूसरा दिन है। शुक्रवार के रात को 9:50 से लेकर के शनिवार तक 9:50 ये तीसरा दिन है। फिर शनिवार से लेकर के रविवार तक ये चौथा दिन है। तो चौथे दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ये जो पाठा नाम का जो वनस्पति है उसका लगभग 6 ग्राम की मात्रा में ताजा ताजा पत्ते ला करके चबा चबा करके उसको पी लेना है। यदि वो चबा चबा करके नहीं पी सकते तो भी जो है उसको पानी में आधा गिलास पानी में यदि पीस करके पूरा चिकना तर मतलब उसको पूरा चटनी की तरह पीस करके उसको मतलब छानना नहीं है, उसको पीस करके ऐसे ही पी लेना है। यदि आप पी लेते हैं तो भी कम से कम 1 वर्ष तक गर्भ नहीं ठहरता है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। और भी ऐसा है कि जो मतलब दुर्वा रस है, यदि कोई कोई चाहते हैं कि नहीं अभी हमें संतान की आवश्यकता ही नहीं है, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, यदि जिसके मन में ऐसा विचार है, तो जो दुर्वा का जो वनस्पति है दुर्वा, तो दुर्वा का वनस्पति 7वें दिन समय मतलब 7वें दिन मतलब दही के एकदम मतलब शुद्ध दही होना चाहिए, गाय का एक ही एक वर्ण का ही मतलब दही होना चाहिए, और दही के साथ में मिला करके दूध को पीस करके मतलब बिना पानी मिलाए कम से कम एक शेर यदि दूध दुबा लेके आओगे और उसको पीसोगे तो कम से कम आपको लगभग जो है उसमें 4 चम्मच रस मिलेगा। 1 किलो दुबा से दूब घास से 4 चम्मच आपको रस मिल सकता है। यदि आपको मतलब ग्रीष्म ऋतु हो तो फिर आपको उसमें से भी 2 चम्मच मिलने की संभावना है, क्योंकि उसमें रस होता नहीं है बहुत ज्यादा। तो आपको ये करना है कि उसका दूब का रस निकाल करके कितना ना कम से कम 1 तोला की मात्रा में होना चाहिए, और दही के साथ में यदि मिला करके कितना दही लेना है तो 1 तोला ही दही लेना है, 1 तोला आपको जो है दुबका घास का रस होना चाहिए। उसको रख करके अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ में रख करके जो ब्रह्म तीर्थ होता है अपने ब्रह्म तीर्थ में इसको सेवन करना होता है। अभी आप बोलेंगे कि ब्रह्म तीर्थ कैसे होता है, तो ब्रह्म तीर्थ ऐसा है कि हमारा जो हर किसी का जो हाथ है उसके हर हाथ में 5 प्रकार के तीर्थ होते हैं। 5 प्रकार के तीर्थ कैसे होते हैं मैं आपको मतलब यहाँ पे मतलब है हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ मतलब छत के ऊपर हूँ तो दिखाई नहीं देगा। मैं कल इसका मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ मतलब ये टेलीग्राम में ग्रुप में चैट में, तो आप लोग को सबको पता चल जाएगा कि हमारे हाथों में 5 प्रकार के तीर्थ है, तो कौन से स्थान को कौन से तीर्थ मतलब क्या क्या नाम से जाना जाता है और कौन से तीर्थ से क्या क्या काम होता है, क्या क्या उसमें फायदे होते हैं, गुण धर्म होते हैं, उन सबके विषय में जानना परम आवश्यक है। तो जो ब्रह्म तीर्थ होता है ब्रह्म तीर्थ के माध्यम से यदि ब्रह्म तीर्थ से यदि इसको सेवन करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए मतलब चिरकाल तक वो बंध्या हो जाती है, फिर उससे कभी जो है मतलब कभी नहीं होगा, मतलब संतान होगा ही नहीं। ठीक उसी तरह और ये ग्रंथ जो ग्रंथ का नाम है बंगसेन संहिता और ये भैषज रत्नावली, ये दोनों में लिखा है, आप इसको चाहे तो उसमें देख सकते हैं। और भाव प्रकाश में भी तो बहुत अच्छा मतलब योग बताया है, भाव प्रकाश में देखेंगे दूसरे भाग में, तो जब जिस दिन उनको महावारी आरंभ होती है उस दिन से लेकर के लगभग 1 सप्ताह तक क्या करना है, जो जयंती नाम का जो वनस्पति है उसका फूल ताजा फूल लेकर के आना है 1 तोले की मात्रा में, और 3 साल पुराना गुड़ 1 तोला दोनों को मिला करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले सेवन कर लेना है। ऐसे 1 सप्ताह तक सेवन कर लेना है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो स्वयं भगवान धन्वंतरि भी आकर के उसको औषधि देंगे ना मतलब संतान होने के लिए, तो भी मतलब उसको संतान नहीं होगा। ये बहुत अच्छा मतलब योग है,
ये प्रयोग वही करें जिनको जीवन भर में फिर दोबारा कभी संतान की आवश्यकता नहीं है, और जिनको कभी आज नहीं तो कल जिनको आवश्यकता है, कृपया वो ऐसे योग इस इन योगों को कभी भी प्रयोग ना करें। धन्यवाद। तो ऐसे में जब आप करते हैं, नहीं तो फिर निम्बोली का तेल है, आप उसको प्रयोग करिए अपने सबसे पहले उसको मतलब अपने जो गुप्त भाग में लिंग है उसको मालिश करिए, फिर अपने जो लिंग का जो रास्ता है पेशाब का रास्ता उसमें मतलब प्रवेश कराइए बराबर, और स्त्री को भी मतलब योनि के भाग में उसको गर्भाशय के गर्भा है उसको मालिश करने के लिए दीजिए, और उसके बाद में थोड़ा अंदर गर्भाशय गर्भा में पहुंचा दीजिए बराबर। तो उसके बाद में समागम करेंगे तो जिस दिन करेंगे तो उस दिन वो गर्भ नहीं ठहरेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं। या तो फिर एक और एक बहुत प्रयोग मतलब याद आ गया, मैं बताता हूँ। ग्रंथ का नाम है ग्रंथ का नाम लगभग काश्यप संहिता है, काश्यप संहिता या बृद्ध तंत्र है। काश्यप संहिता को तो बृद्ध जीवकीय तंत्र कहते हैं, एक बृद्ध तंत्र भी एक ग्रंथ है, और काश्यप संहिता बृद्ध जीवकीय तंत्र, ये दो भी है। तो इसमें संभवतः एक योग बताया गया है कि जिनको संतान की कामना नहीं है वो समागम करें, जब उनको लगे कि हाँ मेरा रेत जो है स्खलन होने का समय आ रहा है, मेरा मतलब धातु अविस्खलन होने पे आ रहा है, तो उस समय जो है वो अपने योनि से मतलब बाहर निकाले और बाहर ही मतलब उसको स्खलन करा दे, तो ये भी एक प्रकार से निरापद है। तो ऐसे में भी मतलब इसको कर सकते हैं, और ये आयुर्वेद के ग्रंथ जो है बृद्ध तंत्र और काश्यप संहिता ये दोनों में भी वर्णन है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और बोलिए, आप लोग को किसी को और कुछ बोलना हो, या तो आपको कोई अनुभव हो तो आप लोग बताइए, क्योंकि मेरा भी अनुभव आप लोग के अनुभव से भी हमारा भी थोड़ा ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्धित हो जाएगा। जी नमस्ते, बंदे मातरम। जी नमस्ते भैया, नमस्ते, बताइए। जैसा कि आपने टंकण भस्म का प्रयोग बताया, जिसे हम शुद्ध सुहागा भी कहते हैं, किसी भी बीमारी ना हो, जी तो वैद्य जी ये टंकण भस्म तो हो गया कि अब कोई बीमारी हो ही नहीं, फिर तो इतनी सारी दवाइयां इतनी आयुर्वेद की फिर क्या काम की? इसमें बात की क्या 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 अब फिर से कितने बोलिए। सम हो जाएंगे। टंकण भस्म की जिसे आपने वो प्रयोग हाँ बताया, शहद के साथ जी में और माँ के दूध के साथ में, ताकि बच्चे कभी बीमार ही नहीं जी जी पड़े, उनको किसी प्रकार की रोग ना हो। तो और अन्य आगे जो आगे हमें क्या बोल रहे औषधि हैं। दी जाती है, जी, अन्य हाँ औषधि की तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी। जैसे कि बताया कि आपने इसके लेने के बाद वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। जी इसका रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके मन में शंका होना संदेह होना स्वाभाविक है। उसका रहस्य ये है, रोग कितने प्रकार का है आप सबसे पहले ये तो जानिए, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है बराबर, रोग जो है चार प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शरीर के प्रज्ञा प्राप्त करने से रोग होता है, दूसरा जो हमारा रोग होता है ग्रहों के कुपित होने से रोग होता है, तीसरा जो हमारे शरीर में रोग होता है हमारे प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्म के कर्म के जो पाप कर्म किए हैं उसके आधार पर हमारे शरीर में रोग होता है, और चौथा जो रोग होता है वो आगंतुक रोग होता है, यानी अचानक से आप कहीं जा रहे हैं आप मतलब दुर्घटना हो गया, यदि मतलब आप कहीं जा रहे हैं कहीं पे मतलब कुछ किसी ने आपको मतलब आकर के किसी ने आपको मार दिया, या तो चोट पड़ गई, आप गिर गए, ऐसे जो मतलब होता है अचानक से होने वाला उसे आगंतुक रोग कहा जाता है। और भी एक प्रकार से रोग है जिसको स्वाभाविक रोग कहते हैं, स्वाभाविक स्वभाव स्वभाव रोग के विषय में वो पाचक पित्त का अंतर्गत है तो हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो चार प्रकार के रोग विषय के विषय में कहा गया है आयुर्वेद में कि जो प्रारब्ध जनित रोग है, ग्रह जनित रोग है, प्रज्ञापराध जनित रोग है, तो इसमें प्रज्ञापराध जनित रोग नहीं होगा बच्चे को, समझ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने जी पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किया है तो उसका फलस्वरूप रोग नहीं होगा, वो तो होगा ही, यदि उसके कोई ग्रह जनित मतलब रोग होना है तो वो भी होगा, वो मतलब मिटेगा नहीं, परंतु यदि उसको रोग होगा तो समझ लीजिएगा कि मेरे बच्चे में दूसरा कोई कारण है,
इसलिए तो कहा है कि इसको पहले दिन आप मतलब एक दिन उसको प्रयोग करके देखिए, यदि उसको एक दिन में पहले दिन में उसके उसको परिणाम नहीं मिला, रोग में आपको शांति यदि आपको अनुभव नहीं आया, लक्षण में कमी नजर नहीं आई, तो तुरंत आपको मतलब आप वैद्य नहीं बोलना है, दूसरे के पास में तुरंत मतलब चले जाना है कि मेरे बच्चे को ये हुआ है और मैंने कल जो है ये टंकण भस्म मैंने खिलाया है, ये उसको बोल दीजिएगा, तो उसके बाद में उसका किस आधार पर रोग हुआ है तो उसके आधार पर उसकी चिकित्सा होगी, और सही चिकित्सा होगी और बिल्कुल वो सटीक रहेगी, निर्भुल रहेगी। ठीक है जी जी? जी वैद्य जी, वैद्य जी, तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें हमें पोलियो की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें फिर स्वर्ण प्राशन की भी तो जरूरत पड़ेगी, जैसे टंकण भस्म का हम प्रयोग करते हैं तो। स्वर्णपाषाण जो है वो रसायन है, रसायन हर किसी को आवश्यकता है, और इसमें क्या है केवल 5 साल तक देना है, मतलब 5 साल तक आपको बच्चे को कोई रोग नहीं होगा, परंतु ये जो रसायन है चाहे आप कोई भी औषधि सेवन करें या ना करें, रसायन तो आपको जीवन में सेवन करना ही करना है, जो अपने जीवन में रसायन का सेवन नहीं करते वो बड़े से बड़े गंभीर रोगों से संक्रामक रोगों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति वो इतना कारगर नहीं होता है, और उनका जो शुक्र धातु है वो उतना बलिष्ठ नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता, इसीलिए रसायन का सेवन करना प्रतिक्षण हर पल आपको आवश्यकता है, इसलिए जन्मजात शिशु से लेकर के मरण पर्यंत हमारे आयुर्वेद में देखेंगे तो 600 प्रकार के रसायन का विषय में वर्णन किया गया है, वो रसायन के विषय में आप मतलब देखेंगे चरण संहिता में चिकित्सा स्थान का पहला ही अध्याय है रसायन अध्याय है, तो आप बोलेंगे कि रसायन अध्याय मतलब चिकित्सा में वो फिर मतलब जब रोगों के निदान किया गया तो सबसे पहले ज्वर के विषय में क्या गया, तो इसमें तो फिर ज्वर के विषय में चिकित्सा बतानी चाहिए थी, इन्होंने फिर रसायन के विषय में क्यों बताया चरक जी ने, रसायन के विषय में इसलिए बताया गया चरक जी ने उसका सूत्र के आधार पर कि आपको चिकित्सा बाद में करनी है, पहले आपको रसायन सेवन करना है, रसायन सेवन करके आपको सबसे पहले अपने को स्वस्थ बनाना है, वो स्वर्णप्राशन जो है वो रसायन है, जैसे च्यवनप्राश रसायन है ठीक उसी प्रकार स्वर्णप्राशन रसायन है, वो हर किसी को देना ही देना है, उसके साथ में आपको यदि इसको प्रतिदिन देंगे तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें अग्निवर्धक है, कास श्वास नाशक है, वात पित्त शामक है, कफ नाशक है, तो आम आम को मतलब पचाने वाला है, आम को करा बनाएगा ही नहीं, और इतने सारे मतलब उसमें फायदे हैं तो दे सकते हैं, और जो स्वर्ण पाषाण है वो रसायन की तरह वो काम करेगा, वो उसका काम वो अलग करेगा, ये अलग काम करेगा। ठीक है जी? जी, इससे स्पष्ट हुआ कि हम दोनों एक साथ में दे सकते हैं, मतलब ये जन्म से लेकर 3 से 5 साल तक हम दे सकते हैं टंकण भस्म, और इसके साथ में स्वर्ण प्राशन का भी हम प्रयोग करेंगे, ऐसा ही है। स्वर्ण पाषाण तो 16 साल तक कंप्लीट होने तक देना है, उसको बीच में बंद नहीं करना है, और इसको जो है 3 साल तक माँ के दूध के साथ में और 3 साल से लेकर के 5वें साल तक मधु शहद के साथ में देना है, जी, आप उसको सुबह दोपहर शाम रात नहीं भी दे सकते तो दिन में 2 बार तो कम से कम दे ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, राम राम बे जी, धन्यवाद जी, राम राम, धन्यवाद। बताइए। ये कितनी मात्रा में देनी चाहिए टंकण भस्म में? एक रत्ती 5 साल यानी कि तक एक सौ के बच्चे पच्चीस को ये? मिलीग्राम जी, 5 साल तक जन्म जात आज अभी जन्म हुआ अभी तुरंत उसको पिला दो टंकण भस्म के साथ में, मात्रा यही रहेगी? हाँ मात्रा यही मात्रा रहेगी, मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी, यही मात्रा रहेगी। जी बेजी, बेजी ये टंकण भस्म जैसे मान लो आपने नींबू में बताई और बिना नींबू के बना लियो, तो फिर उसको वैसे दोबारा शुद्ध कैसे किया जा सकता है? और किसी का कोई प्रश्न है, शंका? हाँ जी बेजी, राम राम। जी टंकण भस्म उसमें तवे में या कढ़ाई के उसमें फुला लिया हो भस्म बनाने के लिए सुहागे को, और नींबू में नहीं किया हो, तो अगर मान लो ऐसे बनाने के बाद में उसको विशुद्ध कैसे बनाया जा सकता है, उसका भी उपाय है क्या? उसका उपाय फिर से आप मतलब नींबू में कर लीजिएगा, परंतु उसमें अम्लता आ जाएगी, उसको मत करिए, उसको फिर कभी भी बाहर मतलब लेप लगाने के लिए उसका प्रयोग करिए, या तो फिर बड़े लोगों के लिए दे दीजिए, छोटे बच्चे को मत दीजिए, और फिर टंकण सुहागा इतना महंगा भी कहाँ आता है, सस्ता औषधि है, मतलब आप जी पंसारी के वहां से लेके आ जाइए और उसको प्रयोग कराइए।
जी भाई जी 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 राम राम। जी राम राम। ये जो आपने बताया कि मतलब अम्ल रस और कटु रस रात को ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राजक पे तो विकृत होगा, तो सीमित मात्रा में तो कर सकते हैं। हाँ, सीमित मात्रा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे जितने सारे जो प्रकार के जो रस है ना, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, इन सभी रसों के विषय में पाचन पित्त में बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। थोड़ी जी बस थोड़ा समय रह गया है, प्रतीक्षा करिए, जी सबका बिल्कुल। रहस्य हम उन्मोचन करने वाले हैं। और एक जो ये कटी मेखला पहनने पहनने के लिए बोला, पहले पहनते थे बचपन में, हमने भी पहनी थी, इसका कोई नियम वगैरह होता है या कभी भी जैसे बच्चों को पहनाते हैं उसका भी कोई वो होता है क्या? उसको, हाँ, नियम ये है कि उसको स्नान के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात जब हम मतलब बच्चे लोग स्नान करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को तो सूर्योदय से पहले कोई स्नान कराते नहीं थे, पहले भी नहीं कराते थे। हाँ, जब मतलब तालाब में लेके जाते थे या तो नदी में लेके जाते थे तो स्नान करते थे, परंतु घर में होते थे तो बच्चे लोग को मतलब स्नान नहीं कराते थे। ऐसा हमने देखा नहीं आज तक किसी को स्नान कराते हुए। तो जो भी है, जब बच्चे सुबह में प्रातः काल स्नान करेंगे तो स्नान करने के पश्चात उन्हें मेखला, कटी मेखला पहनने के लिए दिया जाता था। तो कटी मेखला यानी कि उसमें सात मतलब धागे होना चाहिए, सात धागे यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे हम मतलब कोई रस्सी पहनते हैं, रस्सी धारण करते हैं जी ना, मतलब स्त्रियां देखते हैं कमर में बांधते हैं, ऐसा उनकी कोई कोई वस्त्र में डिजाइन होती है, तो ऐसे प्रकार के जो है सात रस्सी होना चाहिए उसमें, सात रज्जों से युक्त होना चाहिए, तो उसे मेखला कहा जाता है। यदि सात रज्जों से मुक्त मतलब युक्त ना हो तो वो मेखला नहीं है, फिर वो एक प्रकार से विकृत मतलब कमर कस है, कमर पट्टी है, ऐसा है। इसके फिर पहनने से लाभ क्या क्या होते हैं? उसको पहनने से ये लाभ होता है कि आपका सबसे पहले पाचन पित्त विकृत नहीं होता, नाभि कभी खिसकेगा नहीं, अग्निमान अजीर्ण कभी होगा नहीं, मन आपका कभी भटकेगा नहीं, मन नहीं भटकेगा तो फिर पाचन पित्त विकृत नहीं होगा, यकृत और प्लीहा कभी विकृत नहीं होगा, आपको शरीर में कभी अंग प्रत्यंग में पैरालिसिस नहीं होगा, पक्षाघात नहीं होगा, आपके जो स्नायु है, नस नाड़ी है, वो कभी दुर्बल नहीं होगी, और आपका पेट कभी अभी कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पेट अच्छे से साफ होना चाहिए था, ऐसा कभी लगेगा नहीं, पेट आपका अच्छे से साफ होगा, और सुबह शाम दिन में 2 बार मतलब कम से कम साफ होगा, और रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, और कमर में कटी मेखला धारण करने से नाक के रोग, कान के रोग कभी नहीं होते, हृदय का रोग कभी नहीं होता है, आंखों की दृष्टि शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। इतने सारे लाभ है, और कितने लाभ चाहिए बताइए। जी, पर उसमें एक बात और बताइए, जैसे हमने बचपन में हमारे यहाँ पहनते थे तो जो काला वाला धागा आता है ना उसकी हाँ बांधते थे, और जैसे अब हाँ हमारा किसी कारण से वो छूट गया, दोबारा बांध सकते हैं? हाँ बिल्कुल बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते। जी, तो इसकी कोई उम्र थोड़ी है, ये तो हमारे यहाँ जैसे पहले आपने देखा तो बुजुर्ग भी बांधे रखते थे। जी, हर किसी को बांधने का ये विधान है। मैं आपके रहस्य की बात बता दूं, भगवान शिव जी प्रतिदिन कटी मेखला पहनते हैं, जी। ये और किसी एक किसी को क्वेश्चन पता ये नहीं और होगा। ये, फिर ये जैसे आप एक बात और बताइए, जैसे आपने बताया कि स्नान के बाद पहनना है, इसका मतलब स्नान स्नान के समय उसको उतार देना है? बिल्कुल उतारना है, नहीं उतारेंगे तो फिर आपका नस नाड़ी अलग होता जाएगा, आपका फिर भाजपा भी तो अच्छा, उसमें विकृत हो जाएगा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसको। जैसे हमारे तो बचपन में जब पहनी रहते थे तो वो बंधी रहती थी, तो उसको स्नान के समय तो उतारते ही नहीं थे, अगर वो किसी कारण से टूट जाती थी या टाइट हो जाती थी तब उसको उतारते थे जब नहीं पहनते थे। अच्छा हाँ, और एक ये था जो शीतला माता के बारे में बता रहे थे आप परसों के सत्र में, तो शीतला जी, माता तो जितना मुझे ध्यान है पहले तो लगभग सभी को होता था, तो इसका ये इसका मतलब राजक पे तो विकृत हो गया तो ये अपने आप भी ठीक हो जाता है क्या क्या दिन, मतलब जैसे किसी को इसके जैसे हाँ, ये शीतला माता का जो रहस्य है इसका कम से कम इस चर्चा करने जाए तो एक सत्र हो जाएगा, तो कल के सत्र में हम शीतला माता के ऊपर चर्चा करते हैं कि हमारे भाजपा पिता के साथ में उनका क्या संबंध है। एक मतलब थोड़ा लंबा सा आख्यान है, उस आख्यान के ऊपर जो चर्चा करके आप लोग के सामने कल बताएंगे कि शीतला माता क्यों होता है और उसका क्या रहस्य है, और उसको जब होता है तो उसका आयुर्वेद के साथ में क्या संबंध है, और क्या करना चाहिए, क्या उसके पालन करना चाहिए, उस सब मतलब रहस्यों के विषय में कल उसका आवरण हटाएंगे। जी। ठीक तो है एक एक बात और ये भी है कि जैसे
पुरुषों में तो बांधते हैं ये कटी मेखला, पर महिलाओं में क्यों नहीं बांधते हैं? महिलाओं में बांधते हैं ना, आपको किसने बताया कि महिलाओं में नहीं बांधते? तो हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, तब पूछ रहा हूँ मैं। जब वो कटी मेखला बांधते हैं महिलाएं, और जब उनको मासिक धर्म आने लगता है तो उस कटी मेखला के सहारे मतलब इधर से इधर मतलब उनको वस्त्र धारण करके माहवारी के समय जो उनका रक्त स्राव होता है उससे वो बच जाते हैं, और उसको बचने के लिए उनको बड़ा मतलब सहायक सिद्ध होती है। तो लोग तो मतलब स्त्रियां तो कटी मेखला धारण करते ही करते हैं। हाँ आजकल थोड़ा वो पेड़ आ गया, फिर वो क्या बोलते हैं उसको अंडरवियर आ गया, तो फिर आजकल वो नहीं पहनते हैं, क्योंकि आजकल थोड़े पढ़े लोग उच्च शिक्षित मूर्ख हो गए हैं इसके लिए। परंतु गांव की तरफ जाएंगे तो पहनते, क्योंकि अभी मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के जो गांव की महिला है वो तो पहनती है आज भी, परंतु शहर की महिलाओं की बात करें तो वो नहीं पहनती है। तो फिर गांव की महिलाएं पहनती है तो फिर शहर जी में की नहीं पहनती है, तो फिर कुछ तो वह गड़बड़ है कुछ। बिल्कुल, यही गड़बड़ है, क्योंकि वो अभी इतनी शिक्षित नहीं हुई है हमें कार्य शिक्षा पद्धति के अनुसार। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद वजीर। राम 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 भैया। हाँ जी राम राम। जैसे इसमें भी पहनने का कुछ मतलब टाइम वगैरह है क्या, या मतलब हमेशा ऐसे कभी भी पहन सकते हैं? इसमें कटी मेखला को जी, वो तो हमारे इधर मतलब उसको अपने भाषा में उसको डांडा ऐसे बोलते हैं, कमर में जो बंधा रहता है ना रस्सी टाइप से, वही ना? जी, वही है वही है, उसको संस्कृत में कटी मेखला बोलते हैं। जी, तो हमारे इधर तो लगभग सभी लोग पहनते हैं मतलब बुजुर्ग से लेकर के छोटे तक। लेकिन क्या इसका जी मतलब नहाने समय प्रतिदिन निकाल देना चाहिए इसको? हाँ, यदि आपने गांठे नहीं बांधी है तो प्रतिदिन निकाल सकते हैं, और गांठे बांधी है तो फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको जी, दो और ऐसे प्रकार से मतलब हमने देखा है उसको दो प्रकार से बांधते हैं, एक गांठे बांध करके बांधते हैं, उसमें तीन गांठे लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा गांठ है, विष्णु गांठ है, और ये रुद्र गांठ है, ऐसा बोलते हैं। और कोई कोई जो है उसको गांठे नहीं लगाते, एक गांठे लगा करके उसमें ऐसा बोलते हैं कि ये कुकर छंद गांठ है, मतलब आप उसको एक रस्सी को एक रज्जू को दूसरे तरफ से खींचेंगे तो निकल जाएगी, खुल जाएगी। तो ऐसे दो प्रकार से जी उसको पहनने का रिवाज है। तो आप देख लीजिए, यदि तीन गांठे लगाई हो तो उसको नहीं निकालेंगे तो चलेगा, यदि तीन गांठे नहीं है, यदि कुकर छंद गांठ है तो उसको फिर निकाल सकते हैं स्नान करने से पहले। लेकिन अधिकतर भैया यहाँ सात वाला नहीं होता है, सात धागे वाला, तो क्या फिर वो तो सही नहीं है ना? हाँ, सात वाला नहीं है तो फिर वो सही नहीं है, सात रज्जू वाला होना चाहिए। जी, और इसको बदलने का भी कोई विधान है क्या, मतलब या कभी भी टूटे कभी भी बदल सकते हैं ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, जब आपके मतलब कुल में किसी का अशौच हया, मतलब आपने कभी शव को छू लिया, या तो कोई मतलब महिला है जो कि महावारी से ग्रसित है और आपने उसको स्पर्श कर दिया, तो आपको दूसरे दिन जो है आपको बदलना, या तो उसी दिन जो है आपको बदल लेना चाहिए। जी, तो वैसे तो बदलते ही हैं, जब शमशान में या कोई नया पर्व आता है तो बदल ही लेते हैं लगभग सभी लोग। तो फिर सही है, हर कोई दिक्कत नहीं है, यही नियम है। जी, और अगर नहाते समय मतलब बंधा हुआ है तो नहीं, इसको ना खोले तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, या खोलना जरूरी है? नहीं, इतना इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम राम। इसमें बैद जी कुछ कहा था, रंग का भी फर्क होता है क्या, किस रंग का बांधना चाहिए? हमारे यहाँ तो काला रंग का ही पहनते हैं। नमस्ते। नहीं, कोई रंग का कोई फर्क नहीं है, कोई किसी भी रंग का ले सकते हैं। बेजी, ये कटी मेखला जो बताई है सात धागों में, सात धागों में तो मिलती नहीं है। घर पे बना लीजिए ना, सात धागा लेके आइए और उसको बनाइए घर पे, ये कौन सा कठिन कार्य है? जी वैद्य जी, राम राम। वैद्य हाँ जी, राम राम बोलिए। जी, समागम के बाद कोई महिला गर्भवती है या नहीं है, वो तुरंत जानना चाहे तो वो कैसे जाने? इसका तो एक दो उपाय होता है कि अगला ऋतु का इंतजार करे, या फिर उल्लू पट्टी का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हाँ, तुरंत जानना चाहे तो कैसे पता चलेगा? अभी प्रेगा टेस्ट अभी लगभग 2 साल या तो ज्यादा साल 20 साल मतलब पे आया, या तो ऐसा मान लीजिए 2000 के बाद में आया, उससे पहले कौन सा प्रेगा जी टेस्ट था?
एलोपैथी मेडिकल साइंस में था क्या? नहीं था, तो फिर वो हमको नहीं कैसे पता चलता है? नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से तो परीक्षण करना सबसे बढ़िया सरल है। मैं बता दूं कैसे, असली शहद लेना है, इसमें आपको असली शहद, असली वाला शहद चाहिए परीक्षण करने के लिए, तो परीक्षण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। कैसे करना है, जैसे मतलब मान लीजिए आज आपने समागम कर लिया, कम से कम 8 पहर के बाद में, 8 पहर यानी कि 24 होरे के बाद में उसको शुद्ध शहद, जैसे मतलब मान लीजिए कि आज क्या बार है, आज बुधवार है, आज रात को आपने समागम किया, तो कल सुबह में नहीं करना, शुक्रवार यानी कि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, मतलब कम से कम 24 होरा बीत जाने के बाद में 4 चम्मच शहद, आधा गिलास या तो 1 गिलास पानी में, ठंडा पानी में, मिट्टी के बर्तन का रखा हुआ पानी, तो उसको 1 गिलास पानी लीजिए, कांच के गिलास में, ठीक है, दूसरे किसी बर्तन का नहीं चाहिए, कांच के गिलास में भर करके, तो उसमें 4 चम्मच शहद उसको मिला दीजिए, पूरा घोल लीजिए, थोड़ा उसको मिलने के लिए, मिश्रण बनने के लिए 2-3 मिनट समय लगेगा, क्योंकि वो पानी में जल्दी घुलेगा नहीं। जैसे वो पानी में घुल जाए, उसको एक ही सांस में, मतलब वो जैसे ही स्नान करके आए सुबह में, सूर्योदय से पहले इसको परीक्षण करना है, सूर्योदय हो जाता है तो फिर उसका ये परीक्षण नहीं हो पाता, ये भी मैं उसका रहस्य बता देता हूँ। तो सूर्योदय से पहले जो है आपको 1 गिलास कांच के गिलास के पानी में, मिट्टी का पानी में, बर्तन का पानी से 4 चम्मच शहद मिला करके, बड़ी चम्मच यानी कि कम से कम 3 तोला शहद होना चाहिए, वजन के हिसाब से देखेंगे तो 3 तोला यानी कि 35 या तो 36 ग्राम होना चाहिए, 12 ग्राम के हिसाब से, तो उसको मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए, एक ही सांस में, मतलब एक ही बार में घटा घट करके पीने के लिए दीजिए, और वो भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर के पीने के लिए बोलिए। यदि वो गर्भवती है, गर्भ ठहरा है, तो उनको आधे घंटे के बाद में पेट में निचले हिस्से, नाभि के निचले, जो पेट, निचला पेट है, वहां पे मीठी मीठी दर्द होना शुरू होगा। और कब तक दर्द होगा? कम से कम 1 पहर तक, यानी कि 3 होरा तक उनको दर्द होगा, मीठा मीठा दर्द। यदि वो गर्भ ठहरा नहीं है तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा, और उनको ऐसा लगेगा कि फुर्ती आ जाएगी, मतलब को जैसे कोई रिवाइटल की कैप्सूल खाली हो, ऐसा उनको एनर्जी आएगा, फुर्ती आएगी। यदि गर्भ ठहरा है तो उनको मीठे मीठा दर्द होना आरंभ होगा। तो ये है आपका मतलब गर्भ का परीक्षण करने के लिए, ये सभी वैद्यों ने करके आ रहे हैं, और ये जो सूत्र है हमें हमारे गुरु जी ने मतलब बताए थे, और हमने जब भी जब मतलब इसको परीक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से 100% ये परिणाम हमें मिलता है। तो आप लोग भी परिणाम इसको मतलब करिए, तो निश्चित रूप से संभवतः इस मतलब अभी सत्र में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मतलब हमने परीक्षण भी कराया है, तो उनको मालूम भी है कि हाँ ये सही में ये 100% परिणाम जनक है या नहीं है। बाकी आप लोग भी मतलब इसका प्रयोग करिए, परिणाम आपको मतलब स्वयं को पता चल जाएगा, ठीक है जी। हाँ दूसरा जी भाई, जो दूसरा प्रश्न है कि महिला कैसे जान पाए कि उसका प्रसव कितने दिन के बाद एग्जैक्ट होगा, या 9वें महीने में होगा कि 10वें महीने में होगा? ऐसे सोनोग्राफी टेस्ट कराना पड़ता है, डॉक्टर बताते हैं कि इतने दिन के बाद होगा, इतने दिन के बाद होगा। आप अपान वायु के सत्र में थे के नहीं थे? हाँ अपान वायु जी भाई जी थे। थे, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए जब थे, ये नहीं थे तो फिर अपान वायु का सत्र सुन लीजिए, आपका उत्तर उसमें मिल जाएगा, जी भाई जी, भाई ठीक है। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते भैया, क्या आपका नेटवर्क अभी तक सही नहीं हुआ भैया? क्रांति नहीं, कैसे हुआ थोड़ा फिर? है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है इधर का नेटवर्क में, पता नहीं क्यों। ऐसा है कि अभी भाई जी सत्र कल अंतिम सत्र है अराजक पित्त का, या और चलेंगे ये जो भी चला रहे हैं ये विकृति का? हाँ कल का अंतिम सत्र, चतुर्थ भाग रहेगा, अंतिम भाग। ठीक है, वैसे तो मेरे शीतला पास माता के प्रश्न। साथ में क्या संबंध है उसको भी, शीतला ठीक, माता के क्या संबंध है ये भी हो सकता है भविष्य में किसी के मन में शंका हो, संदेह हो, तो अच्छा हुआ किसने प्रश्न किया, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया था। जैसे उस दिन अभिषेक भाई ने एक प्रश्न किया था, अभिषेक जी ने, कि वो मतलब ग्रहों के विषय में, तो हमने उसका योग बता दिया, नहीं तो फिर वो उस दिन नहीं बता पाते, जो चारों ग्रहों को, क्रूर ग्रह को अक्रूर बनाने का। तो आज भी किसने आज प्रश्न किया, हमने ध्यान नहीं दिया किसने प्रश्न किया था, तो जिसने भी प्रश्न किया, ऐसे जो प्रश्न करते हैं ना, हमारे मन को बड़ा संतुष्ट मिलता है, चलो अच्छा है, ऐसे प्रश्न करने वाले भी है। तो ऐसा प्रश्न करिए जो कि लोगों के काम आए, सृष्टि के काम आए, समाज के, मतलब मानव समाज ही नहीं, सभी प्रकार के समाजों के कल्याण हो, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जी तो वैसे भ्राजक पित्त को लेकर के मैंने 20 प्रश्न तैयार किए हैं,
तो अभी तो समय नहीं है, तो इसका किस तरह से प्रश्न लें तो आप बता देंगे, तो उस हिसाब से प्रश्नोत्तरी उसका हम पूरा कर लेंगे। परम दिवस जी भाई जी, परम दिवस यानी परसों के दिन। अच्छा, उसके फिर एक सत्र, फिर ज्यादा समय हो जाएगी, एक सत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि व्याख्यान के दिन ही पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो आधे घंटे में हो जाएगा, 20 प्रश्न है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो परम दिवस के कर लेते जी। वैसे एक प्रश्न मैं कर लेता हूँ, आज के विषय से लेकर के है तो काम आ जाएगा। एक प्रश्न था कि आपने कहा कि यदि शुभ समाचार मिलने पर खुश होने पर भ्राजक पित्त विकृत हो जाता है, ये कैसे होता, थोड़ा वहाँ पे फिर आप एक कहानी आपने उसमें सुनाया, तो फिर वो विषय लगता है कि समझ नहीं पाया, मैं शायद छूट गया पता नहीं, तो ये कहीं मुझे लगता है ये क्या मिथ्या योग है जिसके कारण से व्यक्ति खुश अधिक हो जाता है, जिसके कारण से यह भ्राजक पित्त विकृत हो जाता है, इसलिए भ्राजक पित्त विकृत होता है क्या, ये बताइएगा। क्या शुभ समाचार मिलने पर खुश होने पर पहले मन विकृत होगा फिर भ्राजक पित्त विकृत होगा, तो ये पहले बताइए कि ये क्या मिथ्या योग के कारण से होता है वे जी। जी जी जी, उसमें मिथ्या योग का रहता है। अच्छा, तो मिथ्या मतलब कि लेकिन ये समझ नहीं, व्यक्ति अगर दी अब कुछ अच्छी समाचार आता है तो ये तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति खुश ही होगा, तो ये तो प्राकृतिक लक्षण है, तो फिर ये विकृति कैसे बन जाती है फिर? ये आप कह रहे हैं कि किसी को मतलब खुशखबरी मिलेगा तो वो खुश होगा? नहीं, जैसे कोई भी चीज समाचार होता है तो व्यक्ति के मन में तो हर्ष की भावना तो होती है ना, हर्ष की भावना तो होती है, अगर कोई चीजें होती है कुछ शुभ समाचार आने पर तो व्यक्ति हर्ष तो होता ही। ये बात दीपक भाई बोले तो दीपक भाई के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई और बताएगा बोलेगा तो फिर हमको लगेगा हाँ चलो ये बोल रहे तो अच्छा है, दीपक आर्य जी ये बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब ये बात ऐसी हो गई जैसे किसी ने मतलब डिग्री मतलब कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट भी, डबल ग्रेजुएशन हो गया, और उसको मतलब बोले पहाड़ा 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 कैसे याद करते हैं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई तुमने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, अभी तुम पहाड़ा भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। आप ज्ञान के उस स्तर पे पहुंच गए हैं और फिर भी आप निचले स्तर वाले प्रश्न कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं पा रहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मिथ्या योग तो मैं समझा, लेकिन ये मैं पहली बार सुना कि हर्ष होने पे भी विकृतियां आएगी, लेकिन जब व्यक्ति अधिक हंसे, जैसे कि एक प्रश्न अभी दूसरा था मेरा कि आजकल लाफिंग क्लास चलता है, व्यक्ति हंसने का कक्षा चलाते हैं तो जबरदस्ती हंसते, तो पूरी की पूरी मिथ्या योग है, तो अति योग है, तो उसमें विकृतियां हो सकती है। लेकिन कोई शुभ समाचार मिला, मान लिया किसी घर में किसी को अपने धन को लेकर के कहा, ठीक है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुरा के हंसे, समान रूप से हंसे, और नहीं कि हम खूब ज्यादा कर रहे हैं अति मात्रा में, तब तो है ठीक है। लेकिन अगर दी कोई मान ले आज काम करने गया, प्रतिदिन बेचारे 100 रुपए कमाता था, लेकिन आज उनको 500 रुपए कमाई होगी, मान लेते हैं रिक्शे वाला ऐसा हो गया, आगे करे अरे मेरे को तो आज 500 रुपये मेरे को कमाई होगी, तो फिर उसको तो मन में खुशी आएगी, क्या उनको रोग हो जाएगा, भ्राजक पित्त विकृत हो जाएगा? मेरा इस तरह से प्रश्न है ये, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण में देखा जाता है, तो फिर एक रिक्शे वाले बेचारे कैसे समझेंगे इन चीजों को? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, हमें लगता है कि आप ये प्रश्न अपने लिए नहीं, लोगों के लिए पूछ रहे हैं, समाज के लिए पूछ रहे हैं, समाज के कल्याण की हित भावना है, अच्छा है। सुख दुख जो है वो मानसिक होता है, आत्मिक नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, इसका मन के साथ में ही संबंध है, ठीक है। और इसका जो सुख दुख है किसी भौतिक पदार्थ में नहीं है, केवल मन के साथ में ही उसका संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में मोबाइल मिल गया, आपने नया मोबाइल खरीदा, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने आईफोन एक उपहार दे दिया, आपको खुश तो होगा कि चलो मुझे तो 2 लाख रुपए वाला मतलब आईफोन मिल गया, खुशी नहीं होगी भी आपको दीपक भी? हाँ भाई, तो बोल रहा हूँ लेकिन खुशी के तो हंसी ही मतलब मालूम पड़ जाती है, हाँ खुशी तो होगा, परंतु उसी आईफोन को जब आपने 1 महीना चलाया, 2 महीना चलाया, ऐसे करके 1 साल बीत गया, यदि आपको पूछेगा पहले पहले बोलेगा अरे दीपक भाई आपने आईफोन लिया? हाँ आईफोन लिया, ऐसे मतलब खुश होकर बोले हाँ आईफोन लिया हमने,
फिर मतलब जैसे एक महीना बीत गया, कई लोगों ने आपको पूछा, एक साल के बाद में मान लीजिए कि सत्यवान ने आपसे मिला, और एक साल के बाद में आपका जो आईफोन है बहुत पुराना हो गया होगा, या तो 2 साल के बाद में वो पुराना हो गया होगा, सत्यवान ने मिलकर के आपको प्रश्न करेगा कि दीपक भाई आपने आईफोन लिया है, तब आपका उत्तर क्या होगा 2 साल के बाद में? हाँ तो कहेंगे हाँ लिया था। हाँ क्यों लिया था ऐसे, मतलब इतना दुखी के साथ में, हाँ इतना दुख के साथ क्यों, मतलब ये तो समझ रहे हैं। ये क्या, मतलब आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई, कम से कम मतलब सदस्यों को भी तो समझ में चाहिए। लेकिन ये जो विषय वैद्य जी आप कह रहे हैं ना, ये सामान्य आम जनमानस के लिए जो कि अपनी ज्ञान और विद्या को अभी ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा है, वो वैसे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही लगते हैं। लेकिन आप जो, हमें लगता है कि आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष सांसारिक मोह जो उनसे जो परे हो गया, उन्हें किसी भी चीज का मतलब जो है कि उन्हें ना दुख होता है ना सुख होता है। आप, मुझे लगता है कि उसके दृष्टिकोण से कह रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के दृष्टिकोण से आपने उदाहरण नहीं दिया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो प्रश्न कर रहा था ये आम जनमानस के दृष्टिकोण से कर रहा था, क्योंकि मैं अगर दी जो योग विद्या की बात करूं या जो एक योगी व्यक्ति है तो उन्हें उनके लिए तो ना सुख है ना दुख है, वो एक समान अवस्था रहते हैं, जैसे कि ईश्वर एक समान अवस्था में रहते हैं जो ईश्वर के गुण कहते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गई। लेकिन मैं आम जनमानस के दृष्टिकोण से मैंने प्रश्न किया था कि कोई भी व्यक्ति देखता है तो हंसता तो है तो उनको क्या रोग हो जाएगा, लेकिन जो इन सबसे से परे सांसारिक मोहमाया से, तो उन्हें तो किसी चीज का ना खुशी को प्रत्यक्ष करते ना सामने दिखाते ना दुख को दिखाते, वो एक रसवत रहते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन मैं, ये जो प्रश्न था मेरा आम जनमानस के दृष्टिकोण से, तो इसमें कैसे विकृत होगा, ये कैसी क्रिया किस तरह से होता है, ये थोड़ा बताएं। आपका जो प्रश्न है इसका तो ऐसे थोड़े समय में या तो संक्षेप में उत्तर दे पाना मतलब इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है, इसको तो पूरा पूरा गहराई में उसका जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अंतःकरण के साथ में इसका संबंध है। जो हमारा जो तीनों दो तीनों व्याधि है या तो उपाधि है, जैसे आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इसके नाम से जाना जाता है। यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो चरक जी ने इसको ये तीनों को अरिष्ट बताया है, जैसे मतलब इंद्रिय स्थान में इसको अरिष्ट बताया है, ये आध्यात्मिक ये अरिष्ट है, आधि भौतिक अरिष्ट है, आधि दैविक अरिष्ट है। अरिष्ट यानी कि एक प्रकार से जो मृत्यु सूचक लक्षण, ऐसा बताया है उन्होंने। तो चरक जी ने इसको अरिष्ट के लक्षण पर मतलब इसको लिया है, अरिष्ट के श्रेणी में ले लिया है, इसीलिए ले लिया है क्योंकि मन यदि आपका मतलब सही नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है, भले आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो। मतलब एक प्रकार से हम ये कहें कि जो सुख दुख है वो मानसिक है, भक्ति पदार्थिक नहीं है, और सुख दुख जो है सदा अंतःकरण को ही होता है, ये रहस्य जो है ज्ञानी ही जानते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो अविवेकी यानी कि विवेक विहीन होते हैं, ये उनको समझ में नहीं आता है। यदि उनको अच्छे से समझना है, आप बोलेंगे कि नहीं हमें अच्छे से समझाना है, समझाइए, और जमीनी स्तर से मूल से मतलब बताइए, तो इसके लिए बड़ी लंबी चर्चा चलेगी। और कल आपने ही उसका नामकरण किया है, उसका जो नामकरण का आप इतने जल्दी भूल गए, कल रात को ही तो आपने नामकरण किया था, विवेक की और प्रथम चरण, याद है ना? जी, ये तो हमने नहीं किया है, सब मिलके ने ये किया था, ऐसा केवल मेरे लिए कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सब मिलके ने उस विषय का नाम रखा था। हाँ जो भी है, परंतु इसका नामकरण तो आपने बहुत अच्छा रखा था। तो विवेक की और प्रथम चरण जो कल हमने कल इसका आरंभ किया, केवल उसका मतलब पहला भाग उसमें चर्चा हुआ है, ये सभी के विषय में, मतलब उसमें केवल आत्मा के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, और एही के विषय में, आमुस्मिक के विषय में, ये सभी विषय की चर्चा उसमें इसीलिए करने के लिए हमने उसको अलग से चर्चा रखा है, विषय रखा है, और उसमें अभी प्रतिदिन चर्चा होगा। और एक बात बता दो, उसमें जो हमारा उत्कलीय भाषा का जो सत्र होता था, हमने अभी कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि हमने देखा, अनुभव आया कि ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जो जीवन है वो चर्चा अभी चलना परम आवश्यक है, क्योंकि लोगों को उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार की विद्या का भी परम आवश्यक है। तो अभी हमने कुछ दिनों के लिए, कुछ समय तक जो उत्कलीय भाषा सत्र है और आयुर्वेद का, उसको स्थगित किया है। अभी यहाँ से जाएंगे हम सीधा ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन का ही सब चर्चा में जुड़ेंगे। तो आप लोग को जिनको भी मतलब जानना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, ये सब विषय क्या है,
हमारा भारतीय संस्कृति क्या है, आयुर्वेद का संस्कृति क्या है, ये सब जो अध्यात्म क्या है, अधिभूति क्या है, अधिदैविक क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, ये सब के विषय में उनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मतलब ऐसा कोई विषय को हम छोड़ते नहीं, पूरा बारीकी से मतलब चर्चा करते हैं। आप मतलब जब उसमें जुड़ेंगे तो आपको इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा कि पूछ नहीं सकते। तो इसके लिए हमने उसको अलग से रखा है चर्चा। आप लोग चाहे तो सबका स्वागत है, सब जुड़िए। ठीक है, ये तो भैया ब्राजपति के साथ में जितना संबंध है हमने इसको बता दिया आयुर्वेद के आधार पर, जो आध्यात्मिक और आयुर्वेद आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैवी के आधार पर जितना है वो सब उसमें चर्चा करते हैं। आप लोग जी सब ठीक आइए है, उसमें। ठीक जी है, ठीक है, परंतु ये थोड़ा और स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि मैं थोड़ा नहीं समझाऊं कि जब व्यक्ति हंसते हैं, मैं सामान्य दृष्टिकोण वाली बात करता हूँ, आम जनमानस के आधार पर, तो विकृत होता कैसे? हमने तो आपने उदाहरण तो दे दिया कि हाँ, जब व्यक्ति कोई खुशी होता है तो वो विकृत होता है, लेकिन विकृतियां का ये क्रिया विज्ञान क्या है? मतलब क्या क्या इसका चरण है, कैसे होता है, ये मैं नहीं समझा। अगर दी कोई विस्तार से पूछे तो फिर उसे मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो ये हम प्रश्नोत्तरी के लिए हम इसको रखेंगे। अगर दी कल संभव हो गया तो कल, नहीं इसको तो एक दिन परसों कर लेंगे इसको। इसको प्रश्नोत्तरी में लिखे रखेंगे तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है मैं उसका इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि ये आत्मा का विषय है, आत्मा का आत्म विषय का ज्ञान है, ये आपको तो फिर गहराई में जाना पड़ेगा। चिकित्सा में फिर कैसे इसका प्रयोग करेंगे, बताएंगे व्यक्ति को, अगर भी समझना हुआ हमें तो? इसको चिकित्सा के विषय में वैद्य वो तो बता देंगे, रोगी को इसको जान के क्या करेगा वो रोगी। क्योंकि मैं इसका नहीं, रहस्य मैं बता दूं, मैं इसका रहस्य बता देता हूँ। अभी आप इतना प्रश्न कर रहे हैं, इसका भ्राजपित्त का हमारे साथ में शरीर में सिद्धि के साथ में संबंध है, और हमारा जो अंतर्धान जो विद्या है, अंतर्धान विद्या के साथ में इसका गहरा संबंध है, और परकाय प्रवेश विद्या, अंतर्धान विद्या, अपने स्वरूप को छोटा क्षुद्र स्वरूप करा देना, विराट स्वरूप करा देना। आपने वाल्मीकि रामायण देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसमें हनुमान जी विराट स्वरूप बन करके वहां पे कहीं पे प्रवेश कर गए, और समुद्र सेतु मतलब समुद्र लांग के चले गए, क्षुद्र रूप धारण करके रात में जनक जी का मतलब खोज करने लगे। तो ये कैसे हुआ? आप भी हो सकते हैं क्षुद्र रूप और विराट स्वरूप आप भी बन सकते हैं, और अंतर्धान भी हो सकते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता, वो सब हो सकता है। ठीक है, दिव्य स्वरूप भी धारण कर सकते हैं, प्रकार प्रवेश विद्या भी धारण कर सकते हैं, ये सब उन विद्याओं के साथ में इसका संबंध है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे थे। ठीक है भैया, ठीक है और भाई ये सब प्रश्न, जी, ये प्रश्नोत्तरी के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसको प्रश्नोत्तरी करके इसको समझाया नहीं जा सकता। इसको केवल साधना के मार्ग के द्वारा, अनुभव की साधना के द्वारा, ये तो जब गुरु की कृपा होती है तभी इसको आप अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको केवल मैं बोलता रहूं, आप प्रश्न करते रहे, मैं उदाहरण देता रहूं, उदाहरण देकर के इसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे आप, मैं बोलूंगा कि मतलब हवा का मुझे बताओ कि हवा के विषय में क्या है, तो हवा केवल स्पर्श करके ही मतलब बताया जा सकता है, अनुभव करके ही बताया जा सकता है। हवा क्या है उसके विषय में कुछ नहीं बता जा सकता। मैं बोलूंगा कि हवा ऐसा उड़ा देता है, कागज को नीचे रखा होता है, हवा चलता है तो कागज उड़ जाता है, कुछ सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के उड़ जाता है। हाँ उड़ता तो है, लेकिन वो होता कैसा है वो जानेंगे कैसे? आप हर बार वही प्रश्न करेंगे। ठीक उसी तरह ये प्रश्न भी ऐसा ही है, तो उसको बिना अनुभव से आप उसको समझ नहीं सकते। ठीक है जी, जी, ठीक है, शेष और प्रश्न है कुछ? तो इसको जो इसको अगले सत्र में कर लेंगे इसे। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। जी ठीक है, तो सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं हम सभी, समय काफी हो चुका है, तो आज के सत्र ठीक है, में आप सभी पाठकगण ब्राजक पित्त का 19वां भाग और भराजक पित्त विकृत होने के कारण का तृतीय भाग आप सभी ने समझा और जाना, और व्याख्यान संख्या 214 इसको पढ़े हम सभी और जाने, तो इसका ध्यान करिएगा, समझिएगा, जो भी चिकित्सा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वैदिक विद्या की पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है इन विषयों को समझना। कोई मन में प्रश्न हो, और बाकी जो श्रोतागण हैं, कृपया इस विषय इस बात का विशेष ध्यान रखें अब, क्योंकि अब काफ़ी समय हम सब आगे आ चुके हैं, क्योंकि अब जो है कि जो विषय है बहुत गंभीर सब विषय आने वाले हैं, और गंभीरता है इन सब विषयों में, तो हम सभी अब प्रश्न करें विषय संबंधित अधिक से अधिक, क्योंकि विषय संबंधित प्रश्न नहीं हुआ, आज आपने प्रश्न पूछ लिया, आपका समाधान तो हो गया, लेकिन जो वैदिक विद्या का जो अग्रसर होने वाले बंधु भाई बहन हैं, उनके प्रश्न पूरे नहीं होते, उनका उत्तर नहीं मिलता, तो
केवल वो प्रश्न उनके लिए नहीं होते, आगे जो इस विषय को सीखेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समय ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना वैद्य जी रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, लेकिन अगर यदि नियति सही रहा तो ये व्याख्यान सदैव रहेंगे, तो उस समय लोगों को काम आएगा। इसीलिए जो प्रश्न है, अब जो समय जितना बचता है, सबसे पहले विषय से संबंधित प्रश्न पूरे हो जाए, उसके बाद जितना समय बचता है, वैद्य जी देंगे समय, सबको देंगे, जितना समय बचता है उसके हिसाब से फिर आपके जो व्यक्तिगत कोई प्रश्न है उनको पूछिए, या कोई अन्य प्रश्न है उनको पूछिए, लेकिन सबसे पहले विषय से संबंधित प्रश्न पूछना ये अनिवार्य हो गया अब, ताकि जो विषय है उसको गहराई से समझा जा सके। कभी कभी देखिए ऐसे कोई प्रश्न आते हैं कि वो थोड़ी देर में समझाना भी कठिन है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसके लिए इस विषय को समझना आवश्यक है। आप सभी इस विषय को गंभीरता को समझिए, ताकि जो कल्याण है सबका, इसलिए तभी कल्याण होगा जब एक सत्यवान के स्थान पर करोड़ों सत्यवान बन सके, तभी संभव है, नहीं तो एक सत्यवान कुछ नहीं कर पाएंगे किसी के लिए। तो ऐसा ही है, हर चीज़ को समझना आवश्यक है, तभी कुछ होगा, अन्यथा कष्ट भोगने के लिए हम सभी तैयार रहें। इसको समझिए और इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, तभी संभव है, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है, समय बहुत कम रहता है समय सबके पास। तो धन्यवाद वैद्य जी का, आप सभी श्रोतागण का भी, और आशा करते हैं आप सभी को आज का विषय पसंद आया होगा। तो अब हम सभी शांति पाठ करते हैं और अरुण जी से निवेदन करेंगे, कृपया शांति पाठ कराइए और सत्र का समापन करिए। नमस्ते जी। ओम, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, सभी प्रिय श्रोता को सादर नमस्ते, वैजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में वैजी के व्याख्यान सुने, और जैसा कि भाई दीपक जी ने बताएं, तो आप लोग भी आत्मसात करें और इस पे अमल करें। तो आइए हम ईश्वर प्रार्थना करते हुए, ईश्वर स्तुति करते हुए शांति पाठ करेंगे। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यत् भद्रं तन् आशुव। शांति पाठ। ॐ गौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्याम शान्तिः रेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पुनः आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मन आवरण ग्रसित न हो, विक्षेप न हो, विक्षेपित न हो और मलिन न हो, परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ में आप सब से विदा लेता हूँ। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि। और एक बात है, अभी तुरंत ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन, उसमें चर्चा होने वाली है, आप सबका स्वागत है। इसमें जिनकी अभिलाषा हो वो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।